ओर से और क्लास के सभी सहपाठियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम। जैसा कि सभी को ज्ञान है कि आज गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन थोड़ी देर में कौशलेंद्र सर भी अपने बीच पधार रहे हैं। सभी को मालूम है जैसे आज विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा दिन है, इससे बड़ा कोई भी दिन नहीं होता विद्यार्थी जीवन में, क्योंकि गुरु एक वो इंसान होता है जो अपने को अपनी लाइफ में एक नया रास्ता दिखाता है। हम एक लपेटे मारते हुए नाव की तरह हैं जो कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। गुरुजन हमारे जीवन में एक ऐसा नया मोड़ लेकर आते हैं जिसमें हम एक नए रास्ते की तरफ अपने जीवन को साकार कर लेते हैं। जैसे बचपन में हम प्रार्थना में सुनते थे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, बलियारी गुरु अपना गोविंद दियो बताए। मतलब भगवान से भी बड़े गुरु को विद्यार्थी जीवन में माना गया है। वो इसलिए क्योंकि भगवान तक पहुंचने के लिए भी गुरु का सहारा लेना पड़ता है, और गुरु हम कितने सौभाग्यशाली है कि अपने को ऐसे गुरु मिले जो इतनी शालीनता के साथ सब चीजों से ऊपर उठकर सिर्फ दिन रात अपने करियर के लिए लगे रहते हैं। हम देखते हैं हम 2 घंटे की क्लास में बोर हो जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि सर सुबह सोते कब है? मैं रात को 1 बजे भी मैसेज करता हूं तो सर मेरे को जगे हुए मिलते हैं, और सुबह 5 बजे करता हूं तो भी जगे हुए मिलते हैं। मैं सोचता हूं सर सोते कब है। यही कहानी दोनों सर की है। तो आप सोचो, आपके लिए फर्स्ट ग्रेड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं जो ऑलरेडी सेटल है। तो अपन तो बेरोजगार है, अपने को दुगुनी मेहनत के साथ नए जोश के साथ अपने कैरियर की ओर नए उड़ान की ओर आना चाहिए। सर से निवेदन है कि वो सामने पधारे। सर बोल रहे थे कि ये आज तुम लोगों ने सरप्राइज दिया है, तो सर ऐसी कोई बात नहीं है। एक गुरु का आदर सत्कार विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है जो हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम इसका लुप्त उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, सिलेक्शन होने के बाद भी आपसे मिलते रहेंगे। और कभी, क्योंकि गुरु एक अपने जीवन में एक ऐसा इंसान है जो अपन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि संबंध उत्प्रेरक। उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक एक बाह्य। अपन पढ़ते हैं कि संबंध उत्प्रेरक, संबंध गुरु सिखाता है एक दूसरे के नजदीक आना। नजदीक आना किस लिए जरूरी है? क्योंकि आदमी चाहे कितना भी खुश हो लो, चाहे कितना भी दुखी हो लो, उसको एक चाहिए सारा के भाई ज्यादा खुशी में खुशी बांटने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। अकेला आदमी इस रूम में बंद कर दो, मेरे को कितने भी पैसे दे दो, मैं उनका क्या करूं भाई, जब दूसरे को बताने के लिए कुछ हो ही नहीं। तो इसलिए दूसरा जिंदगी में चाहिए, और गुरु ही एक पहला इंसान होता है जो अपने को संबंध उत्प्रेरक के बारे में बताता है। संबंध उत्प्रेरक के बाद आता है शक्ति उत्प्रेरक। जिसका संबंध मजबूत होगा वो अपने आप, उसकी शक्ति उत्प्रेरक अपने आप मजबूत होगा, क्योंकि उसको एक नई प्रेरणा मिलेगी, शक्ति मिलेगी कि मैं भाई सबसे अलग दिखूं, अपनी क्लास हो चाहे ये संसार हो उसमें सबसे मैं अपने आप को एक अलग रखूं, शक्ति प्रदर्शन करूं, कहीं भी जाऊं मेरी पूछ हो। तो व्यक्ति में वो अपने आप एक भावना आती है नया कुछ करने की, और जिसका शक्ति उत्प्रेरक मजबूत होता है उसमें अपने आप उपलब्धि उत्प्रेरक वो मजबूत हो जाता है। और आपको बताइए उपलब्धि के लिए अपन यहाँ बैठे हैं, जिसकी वो मजबूत होगी वो नैया पार कर लेगा। और मैं अपनी ओर से हृदय की गहराई से सबके लिए यही दुआ करूंगा कि इस बार जब भी मिलेंगे हम अगले शिक्षक दिवस को, तो गुरु पूर्णिमा को जब भी मौका मिलेगा
तो मेरी यही आशा है कि सारे व्याख्याता बन के यहाँ आए। मेरा निवेदन है जब तक सर आए तब कोई महानुभव अपने में से कोई साथी आके बोल ले, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ, जो वक्ता है वही वक्ता है, जहां भी मौका मिलता है वहां बोलता रहता हूँ। तो कोई भी जैसे सुमन मैडम वगैरह आके अपने दो विचार, कोई भी दो दो शब्द आके बोल दो। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में मेरा शत नमन, मंच पे उपस्थित हमारे गुरुजन के चरणों में मेरा नमन, और मेरे समस्त बैठे सभी मित्रगण को मेरा नमस्कार। मैं आपका मित्र अर्जुन सिंह आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष में अब गुरु के व्याख्यान के लिए मुझे कुछ दो शब्द करने के लिए खड़ा किया गया है। तो सबसे पहले मैं उन गुरुओं के चरणों में अपना नमन करूंगा जो हर बच्चे की पहली गुरु होती है, जो माता। तो मैं अपनी माता के चरणों में अपना नमन जो स्वीकार करें, और फिर मेरे जो गुरुजी मेरे बगल में खड़े हुए हैं, अभी भी मैं गुरुजी के बारे में कुछ कह रहा हूं तो शिवरिंग हो रही है मुझे बॉडी में, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा कहने को होते हैं तो शिवरिंग चालू हो जाती है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। और मैंने जब ये क्लास ज्वाइन करी थी तो मुझे, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था बहुत ही नीचे था, तो मैंने जर्नली रेंडमली सर को, सर से मिला और सर से पूछा, सर मेरा स्तर इस लेवल का है, आप विश्वास नहीं करेंगे, सर ने मुझे पहली बार में मुझे ये कहा कि नहीं अर्जुन होगा और ऐसे ही होता है और ऐसे ही होता आया है। तो जब मुझे इतना सा मोटिवेशन दिया मैंने शुरू किया, हालांकि टाइम बहुत कम है। जब मैं लोगों को कहते हुए सुनता हूँ कि आपने अभी ज्वाइन किया है और आपसे नहीं होगा तो बड़ा नर्वस फील करते हैं। फिर मैं सर से सिलेबस लेके सर के पास जब मैं मिलता हूँ सर से, तो सर का एक ही रहता है कि होगा और ज़रूर होगा। तो ये मोटिवेशन एक गुरु ही दे सकता है। और ज़्यादा मुझे संस्कृत में कुछ कहना आता नहीं है, बस मैं एक चीज़ जानता हूँ जो मैंने अपनी जीवन में अपनी माता से सीखी, जो मुझे लेगेसी मिली, क्योंकि मेरी माता भी इस फील्ड में है, कि गुरु वो होता है जो हर व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन मेरा इतना मानना है कि अगर मैं किसी भी अंधकार में हूँ, हम किसी भी अंधकार में हैं, तो गुरु हमें उस अंधकार से, मतलब पाताल से भी खींच के, मतलब अगर हम ज्योग्राफी फॉर्म में पढ़े तो इंटरनल कोर से भी लेके हमें क्रस्ट पे, अपर क्रस्ट पे लेके हमें बताएगा कि ये दुनिया है और वो गुरु है हमारा। और सिर्फ गुरु ही ये बता सकता है कि आपका सही मार्गदर्शन क्या है। एक्चुअली हम पढ़ सब सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर करके सारे काम कर सकते हैं, हमारा डाइवर्जन ज्यादा हो जाएगा। उस डाइवर्जन को एक्चुअल में सिलेक्शन का प्रोसीजर ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है सबको मालूम है, सिलेबस है सबके सामने, सबको सब पढ़ सकते हैं, सविंदर सिंह सब जानते हैं, माजिद हुसैन सब जानते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी खुलर सब जानते हैं, लेकिन एक्चुअली गुरु के पास आने से, स्पेशली मैं सर का नाम लेना चाहूंगा, माननीय गोस्वामी सर के साथ जुड़ने से मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअली कि कल्चर ऑफ नेचर, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम किस अप्रोच में काम करेगा और आपको क्या नहीं पढ़ना है, एक्चुअली क्या नहीं पढ़ना है, मुझे ये समझ में आया। अब मैंने बिलीव मी कि मैंने ना तो कोई बुक पढ़ी ना मैं पढ़ूंगा, मैं सर के नोट्स पढ़ता हूँ बस। और ट्रस्ट मी कि जो जो गुरु हैं, गुरु के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, गुरु को, गुरु की सबसे बड़ी दक्षिणा आज की डेट में, अगर हम इनको गुरु दक्षिणा देना चाहें तो हम इनका कि हमारा लिस्ट में नाम दे दें, इससे बड़ी दक्षिणा सर के लिए हमको क्या होगी, हम इनको गुरु दक्षिणा में अपना सिलेक्शन दें, इससे बढ़कर हम इनको क्या देंगे। और अपना गुरु के लिए हम किन्हीं भी ऊंचाइयों पे पहुंचे, हमारा मस्तक हमेशा इनके आगे झुका रहे, कितनी बुलंदियों में पहुंचे हैं हम, किसी चैम्बर में कभी बैठे हुए हैं गुरु जी हमारे चैम्बर में कभी एंटर हुए हैं, हम अपनी चेयर छोड़ दें गुरु का सीना गदगद हो जाता है उतने ही सम्मान में, गुरु को और कुछ नहीं चाहिए होता है। अब सम्मान की दृष्टि से अगर मैं बात करूं कि कौशलेंद्र सर के बारे में बात करूं, तो कौशलेंद्र सर की जो अप्रोच लेवल रहता है वो इतना ज़्यादा सटीक रहता है कि वो डाइवर्ट नहीं होने देते, डाइवर्ट नहीं होने देते, मतलब कि आपको डाइवर्जन ज़्यादा जहाँ हो जाएगा आप भटक जाएंगे,
और भटक जाएंगे, वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो अपन को कम समय में कैसे अप्रोच करना है, कभी कभी हमको ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सर ने ये चीज कटवा दी है सिलेबस से यार, ये नुकसान हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली इनको मालूम है शायद गुरुजी को, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस उतना है, हमारा नहीं है, कि क्या हम कितनी डोज डाइजेस्ट कर पाएंगे। अगर ज्यादा डोज दे दी हमको, हमें लूज मोशन हो गए तो क्या होगा, सर को पता है ये बात, सब सब सारी चीजें पता है। तो वो सर, कल मैं पर्सनली 2-3 दिन पहले कौशल सर से पूछा, सर ये डिस्टर्ब हो रहा है, सर ने बोला उतनी ही डोज लीजिए जितना डाइजेस्ट कर पाए। और बात भी सही है, जब हमने कल परसों अभी राजस्थान की रिवर्स पढ़ी, बेसिकली मेरे तो कुछ मतलब उतनी ही रिवर्स को डाइजेस्ट करने में अभी तक मेरे ऊपर से वो सब पानी पानी हो रहा है, तो उतनी रिवर ही अगर मैं 25-30 रिवर ही डाइजेस्ट करके यार एग्जाम में क्लिक कर दूं, मेरे लिए वही बहुत। हालांकि आप लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, सब सीनियर हैं मेरे से, हम मेरे से ज्यादा जानते हैं, डाइजेस्ट कर लेंगे। तो बेसिकली गुरु को मालूम है, गुरु एक्चुअली क्या कर रहा है, गुरु किसी एक एग्जाम, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, उनको सबकी शक्ल दिखाई दे रही है और वो हमारी आंखों से पढ़ पा रहे हैं। जैसे कि गुरुजी ने यहाँ से कोई सेंटेंस डिलीवर किया, वो समझ गए कि हाँ ये इन बेटी को पता है कि ये तो डाइजेस्ट कर गए, अब वो मेरी शक्ल देख रहे हैं कि हाँ ठीक है अभी दिक्कत चल रही है। तो एक्चुअली अगर बात की जाए साइंस टर्म में, तो ये पूरे के पूरे एक्सरे बैठे हुए हैं आपके सामने, इनको पता है कि हर एक की मन में और किसने क्या डाइजेस्ट करना है और क्या कर लेगा। तो समरूपता के साथ हमने एक समरूपता का सिद्धांत पढ़ा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सतत विकास पे काम करते हैं सर। कई बार ऐसा हो रहा होता है कि किसी के लिए वो लेक्चर बोर होता है, क्योंकि जो सीनियर स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं यार ये तो पढ़ा हुआ है या क्या ये बोरिंग का लेक्चर दे रहे, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हम जैसे जो इस क्षेत्र में गरीबी की रेखा के नीचे हैं ज्योग्राफी में, मेरे जैसे स्टूडेंट, तो हमारे लिए वो मोती बरस रहे होते हैं और किसी सीनियर स्टूडेंट्स के लिए वो कह रहा होता है ये बोर लेक्चर है। तो एक्चुअली और सर को काम करना है सतत विकास, कि सबका विकास हो, संपूर्णीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे सर को काम करना होता है, क्योंकि सर की अप्रोच है कि मुझे किसी एक को नहीं, जो लोग ऊपर हैं उनके साथ तो रहना ही रहना है, लेकिन जो इंटरनल कोर में उनको क्रस्ट पे कैसे लेके आना है, ठीक है ना, तो मैग्मा कितना देना है और किस पावर में देना है। अब हम लोग बैठे हुए हैं बैथोलेत में, अब बैथोलेत का जब तक इरोजन नहीं होगा तो वो ऊपर कैसे आएगा, तो इरोजनल जो फोर्स है, तीनों तरह के फोर्स सर लगाएंगे और हम जैसे जो बैथोलेत हैं वो उनको ऊपर लेके आएंगे। और ट्रस्ट में मुझे अपने ऊपर सर से ज्यादा ट्रस्ट है कि ये ऐसा होगा, और होगा तो मतलब होगा। और ट्रस्ट एक ऐसी चीज है कि आदमी कैंसर से लड़ जाता है तो ये तो फर्स्ट ग्रेड है। आदमी कहीं आपके पेशेंट का मैंने गूगल किया है तो कई लोगों को कैंसर था और डॉक्टर ने कहा था कि ठीक है आपकी लाइफ 6 महीने है, डॉक्टर 7वें महीने मिलता है भैया तुम कैसे हो, तो उसको बिलीव था नहीं मुझे अभी नहीं, मुझे 6 महीने क्या साल भर बाद अपनी लड़की की शादी करनी, मैं साल भर से पहले नहीं मर सकता, तो वो नहीं मरा। ये क्या है, ट्रस्ट ही तो है, मतलब मेडिकल साइंस ने जहाँ मना कर दिया वहां उसके बाद भी वो 6 महीने जी गया, तो ये तो फर्स्ट ग्रेड है। तो हमारा ट्रस्ट होना चाहिए कि सर ठीक है इस रजिस्टर में जो है वही गीता है मेरे लिए, एनसीईआरटी में क्या लिखा है जय सियाराम। क्योंकि सर को हमसे ज्यादा सर को चिंता है कि उस चीज को मुझे फिल्टर करके ही देना है, 7-8 फिल्टर 10 फिल्टर जितने सर को लगाने होंगे सर ने लगा दिए होंगे और वो हमारे रजिस्टर में होंगे। जैसे सर ने कहा कि जिनका नई सिलेबस हुआ है उनको 3 महीने के अंदर एंड में उनका भी ध्यान रखा जाएगा, तो ये सर का अब हमसे ज्यादा प्रेशर सर को है, क्योंकि जब हम सर की शक्ल देखते हैं हम भी वहां से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि सर आज मतलब बहुत जल्दी से करवा रहे हैं चीजों को, तो एक्चुअली सर भी सोच रहे होते हैं कि कई लोगों के साथ मुझे सर को इस मंच पे खड़े होके, जो हम इस मंच पे खड़े होंगे तो हमें जस्टिस करना है सबके साथ, हमें सबके साथ जस्टिस करना है, हमें 4-5 लोगों के साथ जस्टिस नहीं करना है। तो सर की जो मंशाएं रहती हैं वो स्पष्ट हैं, और सर अगर मैं गलत हूँ तो जब आप बताएं तो मुझे कि क्या क्या मंशाएं रहती हैं। वैसे मेरा मानना तो यही है कि एक टीचर का मेन मोटिव तो यही है कि सबका संपोषणीय सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, जिससे कि जो रईस हैं पूंजीवादी लोग हैं मतलब इस क्षेत्र में इस फील्ड में, पैसों की बात नहीं हो रही, जिनके पास ज्ञान भरा पड़ा है उनका भी भला हो और हम जैसे बीपीएल लोगों का भी भला हो जिन्होंने अभी ज्योग्राफी को पढ़ना और समझना शुरू किया। क्योंकि साइंस स्टूडेंट की बेसिकली प्रॉब्लम रहती है कि उसको ट्रेडिशनल ज्योग्राफी बहुत कम समझ में आती है, ह्यूमन ज्योग्राफी और थॉट्स बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ते। हमारी फिजिकल अच्छी रहती है कि ठीक है वो थोड़ा साइंटिफिक मैटर हो जाता है, हम उसको जल्दी से अप्रोच कर लेते हैं, लेकिन बस अब मैं कभी कभी
अपने मित्रगणों से डिस्कस करता रहता हूँ, मुझे मित्रगण भी एडवाइस करते रहते हैं कि ये पढ़ो वो पढ़ो, बेसिकली ठीक है वो मेरा बेनिफिशियल चाह रहे हैं, लेकिन उतना समय ही नहीं है अपने पास हम उन रजिस्टरों को डाइजेस्ट कर दें, क्योंकि अपना भी लीवर एक कैपेसिटी है उस पर काम करेगा। तो सर ने मुझे बस, मैं सर के बारे में, अभी सर से बहुत कम समय हुआ है मुझे मिले हुए, मैं 24 मई से ही सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और सर का जब भी सर से मिलूंगा तो सर से, जब मैं सर को ढोक कर रहा होता हूँ तो सर का हमेशा मेरे से एक ही बात होता है, और अर्जुन ठीक हो, सब बढ़िया, और इस बार होगा, अब होगा नहीं होगा लेकिन मेरा हो गया होता है उस वक्त, क्योंकि गुरु, अब आप जैसा कि बहराराम भाई साहब ने बताया कि गुरु भगवान से ही बड़ा होता है, तो भगवान से बड़े जब सुप्रीम कोर्ट, जब कहते हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऑर्डर निकाल दिए तो होना ही है फिर तो, ठीक है। तो जैसे कि अब गुरु के चरणों में मेरा दोबारा से नमन, और अगर मेरी स्पीच में कोई गलती हुई हो तो क्षमा, और बस अपने लिए और अपने जैसे भाइयों के लिए चंद लाइन अंत में यही कहना चाहूंगा कि अभी सूरज नहीं डूबा है, जरा शाम तो होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा है जरा शाम तो होने दो, मैं खुद हो जाऊं, मैं खुद वापस लौट जाऊंगा, मुझे हैरान तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले जरा मेरा नाम तो होने दो। धन्यवाद भाई, अर्जुन का शानदार उद्बोधन। जैसे कि आशा थी कि भाई ज्योग्राफी में आपको समझा दिया सारी चीजों को, और कोई भाई बोलना चाहता है या बहन बोलना चाहती है तो बोल सकती है। और एक जैसे कई मैं देखता हूँ कि भाई ग्रुप में अपने सर व्हाट्सएप का बना हुआ है ऐसे, तो उसमें जैसे भी कोई क्वेश्चन डालता है तो दो चार शुरू कर देते हैं, कौन सी किताब है कौन सी किताब है। तो मेरा जितना अनुभव है सर के पास, तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि सर के नोट से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और पिछली बार मैंने देखा है कि 103 क्वेश्चन दाएं बाएं ऐसे करके 103 क्वेश्चन मेरी नोटबुक से है जो सर के यहाँ कोचिंग से मैंने लिखे थे। 103 क्वेश्चन आप मिला सकते हो मेरे पास पड़े हैं, और जिसमें शायद राजस्थान ज्योग्राफी के एक दो टॉपिक और एड भी नहीं होंगे। तो इधर उधर दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, आप बार बार एक ही चीज को पढ़ो तभी जाके अपना सिलेक्शन होगा, अलग अलग देखने में कुछ नहीं है। मैंने सोचा, ये सुकाराम ने बोला कि पहल की किताब आई, तो मैं जाके ले आया। अब उसमें थोड़ दे रखी है 20 पेज में सर ने लिखा रखे हैं 66 पेज, और उसमें कुछ है ही नहीं सर, इतना छोटा दे रखा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने नोट से बाहर कुछ नहीं जाने वाला, उसको बार बार पढ़ो, 100% सिलेक्शन होगा, और मेरा भी होगा और आप लोगों का भी होगा। मेरा अच्छी रैंक के साथ होगा, उससे एक दो नीचे आपका हो जाएगा। और कोई भाई बोलना चाहे तो बोल सकता है। अरे भाई शर्म खोल लो, और मैं खुद ही हिंदी में कंफर्टेबल फील करूं, क्योंकि और पहली बार बोले जनार दूज नहीं छुटिया करे, और शर्म खोलन को से तकड़ो मौको है, कोई आपांगे लाओ कोई देखे भी को नहीं, सब बराबर है। अब धीरे धीरे ये लागे, मैं पहली बार बोलियो जना मन शर्म आवे थोड़ो, दूजनी भी छुटे थे, लास्ट में बोलू थे देख लीजियो कि आदमी शर्म क्या खुलिया करे। तो मारो कहो है डार शर्म भी खोलियो, हाल जते कोस लेंदे सर आओ जते, आपकी दो राय दीजिए गाइडा कोई ने दो चौकी चीजा मिली जाए। अब जैसे है व्यास पूर्णिमा कब मनाई जाती है, व्यास पूर्णिमा कब मनाई जाती है, सुरीला मैडम, अरे किसी को नहीं पता व्यास पूर्णिमा कब मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा किस लिए मनाई जाती है, महाभारत के रचयिता वेदव्यास के जन्म दिवस के उपलक्ष पर, तो व्यास पूर्णिमा ही तो है आज। ऑनलाइन वाले होशियार है सर, और कुछ लोग आज जैसे मैंने कॉल भी किए थे कि भाई आज प्रोग्राम रखा गया है तो आना है, तो बोले कि हमारी पढ़ाई खराब होगी, और सौभाग्य से देखो आज शायद अभी कोई मित्र दिखा रहा था कि डेट भी बढ़ गई 10-15 दिन आगे, तो ये सारा यहीं का परिणाम है। सुबोध, जो यहां बोलेगा वो सबसे पहले नौकरी लगेगा।
भाई जो यहाँ आके बोलेगा, जो सबसे पहले बोलेगा उसकी ऊपर रैंक आएगी, जो बाद में बोलेगा उसकी नीचे रैंक आएगी। हाँ, सबसे पहले तो माँ शारदे को नमन, और मेरे प्रिय सभी साथियों और सबको नमस्कार, और गुरुजी को नमस्कार। हैं लाउड मैं तो सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूंगा आपको, जो मैंने इतने दिन में यहां से सीखी है। दो शब्द होते हैं, एक तो सफलता और एक श्रेष्ठता। जो दोनों शब्द हैं वो बहुत बड़े हैं, और आप सब समझते हो इनके बारे में। ये दोनों शब्दों की जो गहराई है, ये मैंने इन दोनों गुरुजियों से सीखी है। सर को तो मैं नज़दीक से जानता हूँ, आप सबको पता है, और मैं 2010 से सर को जानता हूँ। उससे पहले तो मैं, मुझे पता ही नहीं था भाई मेरे चाचा जी हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं और लेक्चरर बने थे, जब 2009 में तब मुझे पता चला था। उसके बाद से मैं बिल्कुल कनेक्ट हूँ उनके साथ, और इतने दिन में मैंने ये जीवन में यही सीखी है बात कि सफलता और श्रेष्ठता को कैसे सामंजस्य बनाए रखना है। मतलब एग्जाम में फेल होना, 5 साल से मैं भी गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, एग्जाम में फेल तो हम काफ़ी बार हो जाते हैं, 4-5 बार मैं भी हो गया, 5-10 नंबर से कभी पटवारी में, ग्राम सेवक में, स्टेनोग्राफर में रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी ये मन में घबराहट नहीं लाई। ये मैंने इनसे सीखी है, गोस्वामी सर से। और मैं तो आज भी यही मानता हूँ, अगर आप ये सब ये मानते हो कि अगर आप असफल हो तो ये आप बहुत गलत मान रहे हो। मैंने इनसे ये सीखी है कि अगर अभी अभी अपन लेक्चरर नहीं बने, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को सफल मानता हूँ, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी इतने दिन से पढ़ रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए, इंटर्नशिप में, बीएड में सबने पढ़ाई होगी कि आप पढ़ा सकते हो ज्योग्राफी, तो फिर आप असफल कहाँ से हुए। और आपको मानना ही नहीं चाहिए कभी कि आप असफल हो, आपको हमेशा ये मानना चाहिए कि आप सफल हो, क्योंकि सफल हो तभी तो इतने लोगों में से 61,000 नहीं तो काफी फॉर्म भरा है पूरे राजस्थान में से, और उनमें से भी रियल में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, आपको भी पता है ज्योग्राफी से कितने स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं। तो ये बात मैंने सर से सीखी है कि अपन को मतलब असफलता होने के बाद भी ऐसे मानना नहीं है, दिमाग में कभी भी रखना ही नहीं है कि अपन असफल है, ये हमेशा दिमाग में रखोगे तो हो सकता है अपन सफल हो जाए। और एक मेरी जिंदगी में मैंने अपनी लाइन अपना रखी है, जो 2-3 साल हो गए उस लाइन को अपनाए हुए, कि अपनी इच्छाओं पे फोकस मत करो, क्योंकि इच्छाएं बहुत ज्यादा है, और अपन जिस फैमिली से आते हैं ना, वहां आवश्यकताएं ज्यादा मायने रखती है अपनी, तो अपनी आवश्यकताओं पर फोकस करो कि अपनी आवश्यकता क्या है अपनी। अभी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही टारगेट है कि अपन को फर्स्ट क्लास लेक्चरर बनना है, और कुछ तो दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। घर वाले बुला रहे हैं, मेरे भी घर वाले बुलाते हैं, लेकिन मेरे को पता है कि जाने से पहले, हो सकता है अभी मैं एग्जाम देके आया था ग्राम सेवक, उससे पहले मैं सोच रहा था गाँव चलते हैं, लेकिन फ़ोन किया तो कि सर आ रखे हैं घर, तो उसी टाइम दिमाग में वापस कि नहीं बैठना ही नहीं, जयपुर चलेंगे। तो अपने दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए कभी। अब जब सर बोल रहे हैं तो अपन को ये बात सीरियस लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी अपन नहीं लेते हैं, सोच लेते हैं एक दिन से क्या होता है, लेकिन एक दिन से ही 1% चला जाता है। ये बात रोज कह रहे हैं सर आपको, और हम, मेरे को भी कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और 1% के चक्कर में अपन क्या सोच रहे हैं, लेक्चरर तो बढ़ना है, कम नंबर से पास हो। आप ऐसा सोचते ही क्यों कि कम नंबर से टॉप करने की कोशिश करो ना, आप पूरे में से पूरे लाने की कोशिश करो, आप तो अपनी जो क्षमता है ना उसका 100% दो, बस पास होना है कि नहीं होना है वो बात की बात है, वो ईश्वर पे है, क्योंकि सफलता तो ईश्वर पे निर्भर है, अपने हाथ में थोड़ी है सफलता। तो अपन को तो एक ही चीज दिमाग में रखनी है केवल, कि अपन को केवल पढ़ना है बस। और आपको तो ये तो पता ही है कि इन दोनों गुरुजियों से बढ़कर मेरे को तो नहीं लगता, मैंने तो अपनी जिंदगी में शायद ऐसे वक्ता और बोलने वाले और पढ़ाने वाले अभी आज तक नहीं देखी। तो इतनी अच्छे से ज्योग्राफी मेरा शुरू से इंटरेस्ट है, 12th क्लास से मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, और तब से मैंने सर को फॉलो किया है ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना है, सब ये सारी बातें मैंने सर से सीखी है। और मैं तो आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि बस जो सर की बातें हैं उनको हमेशा दिमाग में रखनी है, बस 24 घंटे यही घूमनी चाहिए, और मेरे दिमाग में तो यही घूमती है। मैं तो
अभी दो तीन दिन पहले, शायद थोड़े दिन पहले की बात है, उत्तम भैया नहीं थे तो मैं ऑनलाइन क्लास लेने जा रहा था वहां पर, तो 24 घंटे मेरे दिमाग में जब भी उठता था तब भी वो सवाल ही सॉल्यूशन चल रहा था सर का। तो वो चीज होनी चाहिए अपने दिमाग में सबके। इतनी बात करके मैं अपने स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। थैंक यू। कोई मित्र और बोलना चाहे तो बोल सकता है। ऐसे तो बोलते हो लेडीज फर्स्ट या लड़कियां सबसे आगे, यहाँ कोई नहीं बोल रही। अमृतवाला मैडम जी बोलेंगे। अरे जरूरी को नहीं तो हिंदी आवाज नहीं हुए। हाँ अब थोड़ी देर में अभी कौशलेंद्र सर आ जाएंगे। अरे क्यों नहीं आओ तो राम राम करी जा सको ना। टाऊ आओ आओ सुमन मैडम। सबसे पहले तो मैं गुरुजी को प्रणाम करना चाहती हूँ। आ रही है आवाज? सभी मेरे भाई और बहनों को भी नमस्ते। और अब ज़्यादा तो मुझे कुछ बोलना नहीं आता, पर बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी अपने पास है, जो भी इन्होंने अपन को दिया है, उसी को अपन, उसी पे अपने को पूरा विश्वास रखना है और उसी को पूरी तरह ग्रहण करना है। अगर अपन इधर उधर भटकेंगे तो अपने पास जो है वो भी अपने हाथों से छूट जाएगा। अपने को जो अपनी चीज़ है उस पर विश्वास करना है, ना कि सामने वाले की चीज़ पर। जब भी अपन बाहर जाते हैं, किसी से पूछते हैं क्या पढ़े क्या नहीं पढ़ना, तो हर कोई यही चाहता है कि इसका रास्ता कैसे भटकाया जाए, क्योंकि आज के कंपटीशन में हर कोई अपनी सीट बचाने के लिए दूसरे की सीट हटाना चाहता है। तो प्लीज़ कृपया करके कोई भी किसी दूसरे की बातों पर विश्वास ना करे। जो अपने गुरु जी जो अपने लिए पूरे 24 घंटे तत्पर रहते हैं, अपन को उनकी बातों पर विश्वास करना है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ और मुझे तो बस। छोटा और शानदार उद्बोधन। मैडम जी ने एक अच्छी बात कही कि अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए, और भटकने का सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ आपके सामने, क्योंकि पिछली बार मैं और सुकाराम वहाँ धरने देने जाते थे, अच्छी खासी तैयारी थी और सर बार बार बोलते थे, क्योंकि मेरे को राजनीति का चस्का चढ़ा हुआ था। सर के आने के मतलब लाइफ में आने के बाद ही मेरा थोड़ा बहुत उतरा है, नहीं तो कहीं भी माइक दिखता भाषण देने चला जाता था। तो अच्छी खासी तैयारी होने के बावजूद भी मैं लटक के रह गया। तो सभी से निवेदन है कि ऐसी परिस्थितियां इस बार भी आएगी, लास्ट में जब एक महीना बचेगा तब एग्जाम आगे करो, पोस्टपोन, ऐसी चीजें चलती रहेगी, सारी चीजें होगी, और आपके लिए आपके दोस्त भी होंगे जो आपके बहुत सारे नोट्स भेजेंगे। जब एक महीना बचेगा तब आपको 300-400 पेज के नए नए नोट्स भेजेंगे किसी सर के, वो सोचेंगे कि भाई ये भटकता रहे, इसमें भटकता रहे। तो अपने को भटकना नहीं है, नोट्स पढ़ने हैं और तैयारी में लगा रहना है। सुकाराम, अमृतवाला, सुरीला मैडम, जो भी कोई अमृतवाला आइए। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुदेव और अपने सभी सहपाठियों को तहे दिल से प्रणाम करना चाहती हूँ। और देखो मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, पहली बार मैं मेरी लाइफ में इस मंच पे आई हूँ। कभी स्कूल में मतलब दो दो तीन तीन मिनट के भाषण तो दिए हैं, लेकिन उस टाइम क्या था कुछ पता नहीं था, बच्चे थे उस टाइम। अभी बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सर का जो अपने ऊपर जो आशीर्वाद है उसको ऐसे ही बनाए रखना, और सर की जो अपने से जो आशाएं हैं उनको क्या करना, बरकरार रखना। सर ने पिछली बार मुझे यही कहा था कि देखना टॉप 10 में आएगी, लेकिन मैंने लापरवाही की, तो आप उस चीज़ से बचना। मैंने मेरी उसमें पेपर में थोड़ी गड़बड़ी कर दी, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे पहले अपने माइंड को सेट करके और वहाँ अच्छे से पेपर देना है, क्योंकि अपने से ये लोग इतनी अपेक्षाएं करते हैं तो क्यों अपन ऐसी लापरवाही नहीं करें। मैं देखो यही कहना चाहती हूँ, और मुझे
मतलब बोलने में कंपन हो रहा, देखो मैं पहली बार आई हूँ, मुझसे नहीं बोला जा रहा। तो सर मतलब मैं सर से क्या 3-4 साल से जुड़ी हुई हूँ, पहली बार मैं इनके पास टेस्ट देने आई थी। तो मैंने इनके टेस्ट का लेवल देख के और फिर पता लगा लिया था कि भाई हाँ अपने अपन अभी जीरो लेवल पे हैं। जब सर के पास मैंने टेस्ट दिया तो मेरे फर्स्ट बार में 65 क्वेश्चन नेगेटिव गए थे और फिर भी मैं 14 नंबर रैंक पे थी। एग्जाम का 1.5 महीना बाकी था, फिर एग्जाम पोस्टपोन्ड हुई तो मैंने वो किया कि भाई अपन को कोचिंग करनी है तो सर के पास ही आना है। इन दोनों सरों के मतलब इनका उत्साह है और वो अपने प्रति इतना प्रेम देख के, और फिर मुझे लग गया था कि अपन सफलता हासिल होगी तो यहीं से होगी, और कोई मंच अपने सफलता नहीं दिला सकता। फिर मैं सर से 2-3 साल से जुड़ी हुई हूँ। सर कभी अपन को ये नहीं कहते कि भाई हाँ आप ये लो, इनके पास जो कुछ भी है वो अपन का 100% अपने लिए करते हैं। तो मैं सर का बस तहे दिल से प्रणाम करना चाहती हूँ और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि अब की बार मैं 100% इनको सफलता दिला के दूँ। धन्यवाद। देखो सबकी यही धीरे धीरे शर्म खुली, और भी कोई बोलना चाहे तो आ जाओ। और सर से मिलाने की बात है क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ में एक आदमी ऐसा होता है जो अपने को अच्छे मार्गदर्शन की ओर धकेलता है। तो मेरी लाइफ में मेरे को लाइब्रेरी में सुरजीत अंकल जी मिले थे भाई, सबसे पहले इनका योगदान है, इन्होंने ही मेरे को सर से मिलवाया था और पहली बार एडमिशन लिया था। तो सुकाराम अपने दो शब्द गए थे भाई, मारवाड़ी में गए थे यार। सुकाराम आजा भाई, अरे सर बुला रहे, आजा। सुकाराम इनके बाद संदीप तैयार है भाई, लो। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम किस उद्देश्य से यहाँ बैठे हैं, आज बहुत पावन अवसर पे, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पे हमारे साथ हमारे गुरुवर हमारे नज़दीक बैठे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग आराम से, आवाज़ नहीं आ रही, तो गुरुवर के चरणों में मेरा नमन। इसके बाद सबसे पहले 2 लाइनों से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन आत्मा नहीं, ज्ञान बिन आत्मा नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं और ज्ञान बिन आत्मा नहीं। ध्यान ज्ञान, ध्यान ज्ञान, धैर्य और कर्म, ध्यान ज्ञान धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है। किसकी देन है? गुरु की ही देन है। अगर गुरु नहीं हमारे जीवन में तो हम अधूरे हैं। माता और पिता ने हमें इतना बड़ा किया कि हम आज यहाँ तक हैं, उसके यहाँ तक पहुँचने में जिसका सबसे ज़्यादा सहयोग है, जिसका सबसे बड़ा आशीर्वाद बोल सकते हैं, वो गुरु ही है। अगर गुरु नहीं होता तो हम आज यहाँ नहीं होते, हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज होती, हम पता नहीं कहाँ होते, किस हालत में होते। आप देखते हैं इस जगह पे भी देखते हो, आप जहीं कहीं पे भी जाते हो वहाँ देखते हो कि कई लोग, आप लोग बहुत अच्छे महसूस करते हो उनको देखते हुए, वो कैसे रहते हैं, आप कैसे रहते हो, आप में सभ्यता।
सभ्यता का आविष्कार थोड़ा ना करते हम, वो तो कहीं ना कहीं से प्राप्त करते हैं कि आपको कैसे रहना, किस प्रकार से बोलना, किस प्रकार से चलना, कैसे सब कुछ। सजीव है, सजीवों में अंतर कैसे होगा कि आप सजीव हो? सजीव तो बहुत सारे हैं, आपको सजीव और सजीव में भी सबसे उच्च क्वालिटी का सजीव किसने बनाया? एक गुरु ही है जिसने आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाया, हर चीज में अंतर करना सिखाया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हर चीज अच्छी नहीं होती, हर चीज बुरी भी नहीं होती है, हर इंसान बुरा नहीं होता, हर इंसान अच्छा भी नहीं होता। ये सब चीजें कौन सिखाता है? एक गुरु सिखाता है। जो गुरु गुरु जिससे हम कुछ सीखते हैं, जन्म से लेके आप अंतिम समय तक, बहुत अच्छे अच्छे साइकोलॉजी में वो बताते हैं, विद्वान लोग हुए हैं, वो कहते हैं कि जन्म से लेके मृत्युशैया तक आप लोग सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तोड़ जोड़ के सीखते हो और उसको पूरा बनाते हो, तब जाके आप संपूर्ण बनते हो। लेकिन अंतिम समय तक भी हम संपूर्णता को प्राप्त नहीं होते, लेकिन इस लायक बन जाते हैं कि ऐसा हमें या किसी दूसरे को नहीं लगे कि इसमें यह कमी है। तो वो सब चीज़ों को हमें तैयार करने का जो रोल होता है, मुख्य रोल, वो गुरु का होता है। और मेरे जीवन में गुरु शुरू से लेकर आज दिन तक हम पढ़ते आए हैं, बहुत से जैसे जो पढ़ाया है हमारे को, जगह जगह गुरु मिले हैं। अब उन गुरुओं से भी जब देखते हैं, हम थोड़ा बहुत करते हैं कि आप अंतर तो नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी जगह अपनी अपनी अहमियत होती है, सब गुरु अपनी जगह समान है। लेकिन उसके बावजूद गुरु से बढ़ के एक मेरी तरफ से एक बहुत थी, वो छोटा शब्द रहेगा, लेकिन फिर भी गुरु के लिए एक महागुरु के रूप में मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे बीच में महागुरु बैठे हैं, और महागुरु से बड़ा कोई गुरु नहीं है। जहाँ महागुरु का आशीर्वाद होता है वहाँ सब कुछ मिल जाता है। मुझे भी ऐसा ही मिला है आने के बाद। मैं भी 2003 के बाद से तैयारी में लगा हुआ हूँ, लेकिन 3 साल तैयारी करी, उसके बाद मैंने तैयारी छोड़ दी बिल्कुल। 2003 के बाद मैंने 6 के बाद तैयारी बिल्कुल बंद कर दी। 6 के बाद से मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में आ गया बीएड करने के बाद, उसके बाद से ही पढ़ाने का काम चल रहा है। लेकिन जो चीज़ मुझे मिली यहाँ आने के बाद, वो आज दिन तक कहीं से नहीं मिली। सबसे बड़ा पहले बार, जैसे पहली बार मैं कोचिंग में आया, यहाँ पहली बार सर से मिला, सर से मिलने के बाद इनके जैसे वर्ड मेरे कानों से प्रवेश करते हुए मेरे दिल तक पहुँचे, दिल से पहुँचने के बाद ऐसा हुआ कि सारी लाइफ चेंज हो गई, कि कुछ नहीं है पीछे, सब कुछ यही है, हम इतने दिन कहाँ थे, अब आए हैं मेन ठिकाने पे, तो यहाँ रहना भी है, सीखना भी है, सब कुछ करना है, उसके बिना कुछ भी नहीं है, सब अधूरा है। तो गुरु के साथ रहे, उसके बाद पता लगा कि वास्तव में गुरु महागुरु ही है, जो हर चीज हर एक को सब कुछ देना चाहते हैं। एक गुरु ही है जो किसी भी प्रकार का हमसे द्वेष नहीं रखते हैं, किसी चीज़ की चाहत नहीं रखते हैं कि हमें ये चीज़ दे के जाएगा, या किसी प्रकार का कोई बात हो जाती है तो हमें मोटिवेट करते हैं, हर चीज़ पे रास्ता बताते हैं कि आपको इस प्रकार से चलना है, हर जगह आपकी समस्याएं आएगी, इस प्रकार से आपको समस्याओं को दूर करना है, कैसे दूर करना है रास्ता बताएंगे, करना हमें ही। आप लोगों को पता है हर चीज़, किसी भी समय पे कोई भी व्यक्ति, उसके अगर 100 वर्ष पूरे होते हैं तो उसको लेके जाते हैं, ये उसके साथ 100 व्यक्ति साथ जाते हैं, सबको पता है कि आगे जाके हमारी ये गति होनी है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, वापस वहाँ से आने के बाद जस्ट वापस अपने जो कर्म करने हैं वो करेगा, लेकिन अच्छे कर्मों में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमें हर मोड़ पे, हर दिन, हर समय हमारे पास महागुरु जैसे सर हैं, तो वो हर चीज़ बताते हैं कि आपको इस प्रकार से पढ़ना है, इस प्रकार से रहना है, आपको अपना समय बिल्कुल ख़राब नहीं करना है, हर एक समय को काम में लेना है, कैसे लेना है वो भी बताते हैं, कितना समय, एक एक मिनट बता दिया आपको कि इतने घंटे होते हैं, इतने घंटे बाद आपकी परीक्षा है, तो फिर इससे ज़्यादा तो क्या बताएंगे, इतना खोल के, इतना विस्तृत रूप में हमें बता रहे हैं, फिर भी अगर हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं तैयारी करते हैं, तो वो दोष हमारा ही है। इस दोष के लिए हम किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि मेरी बहन की शादी थी, या मेरे गाँव में जिमने का प्रोग्राम था, जिमने चला गया, या मकान का काम चल रहा था तो पत्थर डालने चला गया, तो ऐसा कोई बहाना नहीं होगा। आप लोगों को मंजिल आपको ही पहुँचनी है, केवल सर का तो इतना सा है कि एक बार आपको रास्ते लगा दिया, रास्ते में कोई भी जो चीज़ होगी, कोई भी समस्याएं आएगी आपको,
उन समस्याओं से दूर करने का। एक तरह से रात होती है, रात के बाद जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है, कितना ही अंधेरा हो छट जाता है। उसी प्रकार से एक गुरुवरी है जो हमारे सभी प्रकार के जितने भी अपने जीवन में अंधेरे हैं उनको सबको दूर करते हैं। कैसे करते हैं वो, इनको हमसे ज़्यादा ध्यान है कि किस प्रकार से चलेगा, किस प्रकार से रहेगा। हर बच्चे की मेंटेलिटी इनको पता रहती है कि कौन किस प्रकार से पढ़ेगा, लेकिन फिर भी हम किसी और पे दोष डाल देते हैं कि यार उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे दोस्त ने मेरा रास्ता काट दिया था उस दिन, तो मैं चला गया एग्जाम देने, मेरा पेपर खराब हो गया। भाई बात ना दोस्त काटता है ना कोई दूसरा तुम्हारा बुरा सोचता है, सोचने वाले तुम खुद हो। किसी दूसरे के सोचने से अपना खुद का कोई बुरा नहीं होगा जब तक हम नहीं करें। आपका दोस्त लेके जाएगा कुएं के पास, या तो वो धक्का देगा, धक्का देगा तो पता रहेगा दोस्त ने दिया, साथ लेके जाए कूदोगे तो आप ही, दोस्त थोड़े कूदेगा, नहीं कूदेगा। तो आपको खुद को अपना अच्छा और बुरा खुद को पता होना चाहिए। उसके लिए कौन तैयार है? आपको तैयार कर रहे हैं, सर तैयार कर रहे हैं। फिर भी अगर आप लोग किसी तरीके से अपने मन के भावों को व्यक्त करके, किसी की याद आ रही है घर पे जाना, वहाँ पे उसकी याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, आएगी याद तो किसको नहीं आती। एक ये तो अपनी फीलिंग है, जो फीलिंग को कैसे शेयर करते हैं, किस प्रकार से रोकते हैं, किस प्रकार से क्या करते हैं, इच्छाएं हैं। इच्छाओं को आप कहते हैं कि दबाना चाहिए, इच्छाओं को दबाना भी नहीं चाहिए, इतनी कि वो दब दब के बिल्कुल ख़त्म हो जाए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इच्छाओं को व्यक्त करना चाहिए, या तो अच्छा होगा, अच्छा नहीं होगा तो कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा अभी तो बाकी है, नहीं मौका सबको मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा, आप तैयार रहिए। बीच बीच में आप लोगों को बुलाया जाएगा। थोड़ा सा अभी तो बाकी है, तो आप लोग सभी भाई थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये थोड़ा सा आप गुरु पूर्णिमा का दिन है, सभी लोग आगे जाके अपने भविष्य में सभी गुरु बनने वाले हैं। आगामी गुरु के लिए आप लेक्चर बनेंगे, गुरु आपके लिए अगली जो गुरु पूर्णिमा आएगी इसी प्रकार से आप मंच पे विराजमान रहेंगे, और आपके लिए जो आपके विद्यालय में जो बच्चे होंगे आपका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। इसी प्रकार से आपके लिए दो शब्द बोले जाएंगे। ये पीछे सुखाराम जी, थोड़ा सा अटेंशन। तो आगामी को देखते हुए अगली गुरु पूर्णिमा को, जैसा कि हम लोगों का एक देह है, एक विश्वास है कि अगली जो गुरु पूर्णिमा आएगी उसको हम इसी मंच पे इस प्रकार से जैसे अभी आपके सामने मंच है वैसा मंच हम तैयार करेंगे, और उस तैयार पे बिल्कुल खड़े उतरेंगे। और हमें अपने शब्दों के माध्यम से मैं दो शब्द और कहना चाहूँगा। तुम गुरु पे ध्यान दो, तुम गुरु पे ध्यान दो, गुरु तुम्हें ज्ञान देगा, गुरु तुम्हें ज्ञान देगा। तुम गुरु को सम्मान दो, गुरु ऊंची उड़ान देगा। वो नम जीवन देता सबको, नई शक्ति का संचार करे कौन? गुरु। ठीक है, जो झुक जाए उसके आगे, किसके आगे? गुरु, उसका ही गुरु उद्धार। ठीक है, वो नींव की भांति, वो नींव की भांति दबा रहे, नींव की भांति दबा रहे, खड़ी कर देता है कहीं मिसाल ऊंची। ले शिक्षा शिष्य बड़े आगे, गुरु का गुरु का रहता हाल वही। जैसे जिस प्रकार से एक नींव होती है, नींव पे कई मंजिलें तैयार होती है, लेकिन वो दबा रहता है, उसका मत उसी को पता है कितनी मंजिलें खड़ी कर दी। तो ये गुरु का आशीर्वाद है कि यहाँ से कितने सिलेक्शन दिए हैं, कितने सिलेक्शन देने हैं। और अपने में हमारे बीच आदरणीय गुरु कौशलेंद्र जी सर पधार रहे हैं, सभी इनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल, सभी गुरुवर के चरणों में सादर नमन, सादर प्रणाम। एक मिनट में गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। हमारे बीच हमारे दोनों आदरणीय गुरु जी पधार चुके हैं।
जिनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है। दोनों सर से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। शुक्रम थोड़ा जोर से बोलो, पीछे तक पिछला गेट बंद कर दे। माँ बाप ने हमको जन्म दिया। गुरु ने पढ़ना सिखाया। चलो पहले गुरुवर का स्वागत के लिए तैयार हैं, तो पहले स्वागत करवा देते हैं, उसके बाद आगे की अधूरी जो भी कहानी है बाकी पूरी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। स्वागत कार्यक्रम इन्हीं के बच्चों द्वारा, इन्हीं गुरुओं का जो हमारे बीच हमेशा हर समय उपस्थित रहते हैं, ऐसे आदरणीय गुरुजनों का स्वागत कार्यक्रम। गुरुओं का क्या योगदान है ये किसी से छुपा नहीं है। अभी ये पहले के वक्ता बोल रहे थे कि गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, ये देते हैं, तो भाई मेरा यही कहना है इस बार सबको सिलेक्शन लेना है, वरना हम तो धक्का देंगे भाई, क्योंकि आप गुरुजी के शिष्य हो, हमारे सहपाठी हो, तो हम सभी से यही उम्मीद करना चाहते हैं कि आप सिलेक्शन लेकर ही मिले, क्योंकि नेक्स्ट टाइम 5 सितंबर को जब शिक्षक दिवस आएगा उस टाइम हम शायद एग्जाम से पहले आखिरी बार मिलेंगे, उसके बाद सिलेक्शन के बाद ही सारे हम उपस्थित होंगे। और इसी आशा और इसी विश्वास और इसी जोश के साथ फिर से सर का एक नए उत्साह के साथ स्वागत करेंगे। माला पहनाकर और सापे के साथ सर का स्वागत, गोस्वामी सर का स्वागत क्लास के विद्यार्थियों द्वारा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत परम आदरणीय गुरुजनों का। हर समय आधी रात हो चाहे दिन हो, हर वक्त सर का आशीर्वाद माथे पे रहता है, और आज उन्हीं के माथे पे विद्यार्थियों की ओर से सापे से स्वागत राजस्थान की परंपरा के अकॉर्डिंग, क्योंकि सापा एक सम्मान का प्रतीक माना जाता है, उसी सापे से विद्यार्थियों द्वारा खुद के द्वारा ही बांधा गया है, तो सर लपेटे में से आया नहीं है। अब माला पहनाकर स्वागत करेंगे विद्यार्थी। एक एक विद्यार्थी यहां सुकाराम सबसे पहले सर का आशीर्वाद ग्रहण करें, माला पहनाकर स्वागत करेंगे। सभी विद्यार्थी एक एक करके सर का आशीर्वाद लेके अपना स्थान ग्रहण करते रहे। कौशलेंद्र जी सर का स्वागत करेंगे, अर्जुन और अशोक जी गुरुजी स्वागत करेंगे। राजस्थानी परंपरा के अकॉर्डिंग तिलक और सापे के साथ सर का स्वागत। हम सौभाग्यशाली विद्यार्थी है कि ऐसे गुरुजन अपने को मिले हैं, जो कि हर समय जब तक अपन अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाए तब तक सर का आशीर्वाद अपने सर पर रहने वाला है। इस गुरु पूर्णिमा को यादगार बनाने के लिए सभी जो पधारे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को आज शानदार तरीके से मिठाई खिलाई जाएगी। अब हमारे बीच सर अपने मुख से आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द कहेंगे।
सुरजीत फोटो सेशन करेंगे लास्ट में सारे विद्यार्थियों के साथ सर की, ताकि हर लम्हे को आजकल कैमरे में कैद रखना चाहिए। अब सभी अपना स्थान ग्रहण करें और सर अपने को मार्गदर्शन स्वरूप दो शब्द। अब हमारे बीच केक काटकर गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर दोनों सर का आशीर्वाद। नहीं नहीं सर के सम्मान में विद्यार्थियों द्वारा एक छोटा सा प्रयास पूर्णिमा के इस अवसर पर जो यहां पर आज पधारे हैं वो अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि सर के सानिध्य में ही एक ज्योग्राफी जो भूगर्भ से लेके कृष्ण तक पढ़ा जाता है, पृथ्वी का वर्णन करना इतना आसान नहीं, इन्होंने तो पूरा खोद के रख दिया। और कौशलेंद्र सर की खासियत मैं कल ही नोट कर रहा था, जैसे जो अपने एटलस में जिस तरीके से मैप नहीं दे रखे उससे शानदार मैप अपने सामने ये उत्तीर्ण कर देते हैं यहाँ पे बोर्ड पे, चाहे बांदर सिंदरी हो चाहे खोद रिबा हो, मैंने खोद खोद के देख लिया सर ने एक इंच भी इधर से उधर नहीं लिखा है। कैमरे में कैद इस ऐतिहासिक लम्हे को, शानदार पल सभी विद्यार्थियों के लिए, तालियों के साथ जोरदार स्वागत परम आदरणीय गुरुजनों का। अब अभी सबको जो भी बोलना चाहे यहाँ पर अपने वाणी से सबको लाभान्वित करवाएं, क्योंकि जो भी यहाँ पढ़ना है वो अपने आप में सब ज्ञानी है, कोई भी किसी से कम नहीं है। सर आशीर्वाद स्वरूप लास्ट में अपने को दो शब्द कहेंगे, उससे पहले जो भी विद्यार्थी अपनी वाणी से सबको लाभ प्रदान करवाना चाहता है तो यहाँ आके बोल सकता है। फोटो सेशन केक के माध्यम से दोनों गुरुजनों का इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा शानदार एक छोटा सा आयोजन, जिसके लिए सभी को साधुवाद मेरी ओर से क्लास की ओर से, और जो ऑफलाइन के विद्यार्थी नहीं आए उनको भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पर ऐसे लम्हे को मिस करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, फिर भी कुछ परिस्थितियों की वजह से नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। जो यहाँ आए सभी आशीर्वाद लेके जाएं, अपनी जगह बैठे ना रहे। सुकराम की भी फोटो लो भाई। ऐतिहासिक लंबा
ऑफलाइन के विद्यार्थियों के बीच सभी अपने कैमरे में इस लम्हे को कैद करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। पूरी आशा और उम्मीद है कि जो यहाँ भी उपस्थित है वो नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे सारे व्याख्याता होंगे फर्स्ट ग्रेड के। जिनको थॉट और कार्टोग्राफी समझ में नहीं आती वो कौशलेंद्र सर से आशीर्वाद लें, जिनको जलवायु विज्ञान भूगर्भ शास्त्र वगैरह नहीं आती वो गोस्वामी सर से आशीर्वाद लें। ऐसे स्टूडेंट सदियों में बहुत कम मिलते हैं। भाई का भाई कैमरे में कैद करो भाई को, फोटो लो भाई की। शुकम मारी ले तो कुछ में बोले अब सभी अपना स्थान ग्रहण करें। फोटो सेशन हो गया तो सभी अपना स्थान ग्रहण करें ताकि कुछ अच्छे वक्ताओं के मार्गदर्शन रूपी शब्द अपने को सुनने को मिलेंगे। कुछ विद्यार्थी अपने शब्दों से सबको लाभान्वित करेंगे, उसके बाद कौशलेंद्र जी सर और फिर समापन गोस्वामी सर के शब्दों से आज के इस पावन अवसर पर जो इतना शानदार कार्यक्रम रखा गया आप सभी लोगों के सहयोग से। ये लगाव गुरुजनों का और विद्यार्थियों का जो इन दोनों गुरुजनों को सबसे अलग बनाते हैं, किस तरीके से जुड़कर ऑनलाइन साथी भी हमारे जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी गोला आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। राजेश जी शर्मा, देवेंद्र कुमार शर्मा, रुखसार जलील जी, अनीता चौधरी जी आपको भी, सुरेन कुमार, अर्जुन सिंह सैनी, पूजा यादव जी, संजू जी, सिमी जी, अचल जी, शर्मा जी, आरती जी आप सभी की ओर से सर को साधुवाद। अंजू जी, अनीता कुमारी जी, उदय जाट जी, सरस्वती जी, राकेश यादव जी, भवानी शंकर मेघवाल जी, पूनम शर्मा जी, अर्जुन सिंह सैनी जी, सरोज पारिक जी, शैतान सिंह, कीर जी, बबीता जी, सानू जाड़ जी सभी की ओर से। सर का आशीर्वाद प्राप्त हो सभी को, ऐसी मेरी आशा है कि आप सभी ऑनलाइन विद्यार्थी भी इस बार लेक्चरर बने। हाँ सभी एक बार ले लो फोटो, फिर लास्ट में सारे ग्रुप में एक फोटो लेंगे। मुकेश चंद्र शर्मा जी, दिनेश जी और उत्तम भैया को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं, धन्यवाद। राकेश जी, टेक्निकल टीम को भी, सभी ऑनलाइन विद्यार्थियों की ओर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अंजू शर्मा जी की तरफ से सर को चरण स्पर्श।
प्रणाम। मंगल जी की ओर से भी सर को प्रणाम। मीनाक्षी लेगा जी, चेतन चौधरी जी की ओर से भी, संजू जी चौधरी, माइक वाले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। शैतान सिंह कीर जी, गुरुदेव को प्रणाम। बिल्कुल आपकी ओर से गुरुदेव को प्रणाम। आशा है कि इस एग्जाम के बाद एक लेक्चरर के रूप में आप सभी ऑनलाइन विद्यार्थी हमें मिले। एक भव्य आयोजन रखा जाएगा जिसमें आप लोग भी शामिल रहेंगे। सुधीर शर्मा जी, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, मजा, आप यहाँ होते तो और ज्यादा मजे के चार चांद लगते। सभी ऑनलाइन विद्यार्थी सर आपको चरण स्पर्श करते हुए, पूजा यादव जी बोल रहे हैं कि मातृभाषा में, हाँ राम राम साहेब, मारवाड़ी वहां में। प्रियंका जी, हाँ प्रियंका जी था की तरफ हूँ भी सर ने प्रणाम गुरु पूर्णिमा के दिन। रुखसार जी, जो यूपी में जुड़ा है आपने बीच में, सर के कोर्स को आनंद लेवे ऑनलाइन, बहुत कुछ सीखने मिलियो यान। सुरेश जी बेरी, बिल्कुल नागौर से थे भी लेक्चरर बनो, नेक्स्ट टाइम जब भी प्रोग्राम करेंगे आप भी साथ हुआ। अनिता जी को एग्जाम की टेंशन हो रही है। चलो अब यहाँ का प्रोग्राम, आप सभी ऑनलाइन विद्यार्थी जुड़े रहे, अब सर के वाणी का लाभ भी लेंगे कुछ विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या बोलूं, गुरुजन सभी यहाँ मेरे से सीनियर भी है, कुछ जूनियर भी है, तो सबकी वाणी का लाभ हम सबको जरूर मिलेगा। जो भी मित्र बोलना चाहे या माइक में, क्योंकि आप से काफी लोग जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन भी बैठे हैं, तो अपने शब्दों का बखान करें यहाँ आके। और सुकाराम काजू कतली लेकर आया है भाई, अलग से काजू कतली सुकाराम की तरफ से, दो चार मेरी तरफ भी। अब कोई मित्र सुरजीत, अब हमारे बीच सुकराम जी कुछ शब्द बोलेंगे, क्योंकि सर के काफी प्रिय स्टूडेंट माने जाते हैं, हर समय ये मार्कर वगैरह डस्टर वगैरह लेके तैयार मिलते हैं क्लास में। अशोक जी सर आप आइए, अपने दो शब्द। आदरणीय गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आदरणीय गुरुजनों को मेरा प्रणाम और गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मेरे सभी सहपाठियों को बहुत बहुत बधाई। मैं दो ही लाइनों में अपनी बात को खत्म करूंगा। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को। अब सुकराम जो कि नागौर से ताल्लुक रखते हैं, शुरू से लेके अभी तक मेरे सहपाठी है, मिठाई बाद में खिला देना सुकराम। आज मैं इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरे प्रिय गुरुजनों, बड़े भाइयों एवं बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर केवल दो बातें कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जब मैं जयपुर आया था तो एमए कर रहा था, सबसे पहले मेरा बड़ा भाई भैरवराम मुझसे मिला था, क्या है तुझे अपन और हम, मैं और तुम दोनों साथ में रह के फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे और अच्छे मार्गदर्शन है यहाँ पर गुरु जी देव गोस्वामी सर से। और तब मैं यहाँ इनसे मिला तो मैं साइंस बैकग्राउंड से था, और पिछली बार जब सेकेंड ग्रेड का रिजल्ट आया तो मैं एक क्वेश्चन यानी
प्रतिशत से पीछे रह गया, तो हम पास में बैठे थे, रिजल्ट देखा तो मुझे तो थोड़ा रोना आ गया था। इसने कहा कोई बात नहीं है कि अगली बार हम दोनों फर्स्ट ग्रेड में लगेंगे, तो मैंने कहा कोई नहीं। तो मैंने साइंस को छोड़ के ज्योग्राफी से एमए की, और फिर उन्होंने बोला कि कौशलेंद्र सर और गोस्वामी सर से मिलकर हम इस नैया को फर्स्ट ग्रेड में इस बार पार लगा कर ही रहेंगे। पिछली बार ये व्यायाम थोड़ी बहुत कमी रही, तो वो मेरी वजह से रही, क्योंकि मैं पिछली बार रेफरी में था और ये इसकी तैयारी अच्छी थी, लेकिन वो धरना प्रदर्शन की वजह से पीछे रह गए। क्योंकि मैं अपेयरिंग में था तो मेरा यही मकसद था कि कैसे ही डेट आगे बढ़ जाए, लेकिन मैं इसको बहुत पहले से ही बोलता था मैं कि भाई डेट आगे नहीं बढ़ेगी, तुम अच्छा नहीं, इसको भी भाषण देने में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा ही है कुछ, इसलिए सबसे पहले मेरे से पहले आगे वहाँ धरने पर यही मिलता था। तो मैं बस इतना ही समय लेना चाहता हूँ, धन्यवाद। बहुत शानदार उद्बोधन सुकाराम का। हाँ सॉरी समा चाहूंगा, जो सभी विद्यार्थियों ने मिलकर सर के लिए एक अनमोल तो नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा उपहार स्वरूप भेंट प्रेम से दोनों सर के लिए। तो क्लास के अशोक जी आप आइए, सीनियर विद्यार्थी सर को। दोनों सर को तस्वीर भेंट करेंगे। गुरु में ही पल सभी विद्यार्थियों के लिए। अब कौशलेंद्र सर को विद्यार्थियों की ओर से एक छोटी सी भेंट। शानदार लुकिंग में तस्वीर है ये कौशलेंद्र जी सर की, मूंछों की मरोड़ दिख रही है साहब। जिस सिद्धता के साथ दोनों सर अपने को पढ़ाते हैं, वैसा ही सम्मान अपनी ओर से हमेशा गुरुजनों को मिलता रहना चाहिए, और वाकई काबिले तारीफ अपनी क्लास है, इतने शालीन विद्यार्थी है। अब कोई मेरा मित्र यहाँ आके बोलना चाहे तो बोल सकता है, क्योंकि शर्म खोलने में कोई हर्ज नहीं करना चाहिए। उसके बाद अपने को अपने प्रिय गुरुजनों की वाणी सुनने को मिलेगी। उमर आजा भाई, तू रूटा रूटा क्यों बैठा पीछे, आजा। अरे यहाँ के बोल के तो देखो कि अपनी आवाज निकल रही है नहीं निकल रही। कोई नहीं बोलना चाहता? सुबोध जो यहाँ बोलेगा उसको 300 प्लस नंबर मिलेंगे, ये फिक्स है। और मेरा नाम इसीलिए रखा गया है भैरू, क्योंकि मैं जो भी बात बोलता हूँ वो सत्य होती है। सुरजीत अंकल आएंगे अपना मार्गदर्शन। सुरजीत सर के लिए शानदार तालियों से उद्बोधन, द ओल्ड मैन ऑफ क्लास। सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की तरफ से हार्दिक पर्व पर मैं सर को प्रणाम करता हूँ, और सर ने जो मेरे को दिया है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सफलता तो ये तो बनी रहती है, मगर फिलहाल प्रेजेंट टाइम में अगर मैं चाहूँ ना तो 30,000 रुपये का मेरे को रोजगार तो लगा ही दिया है। मैं मिशन में भी गया था, मेरे से बोला गया कि आप एक बार तो बोलो, पर मैं वहाँ भी नहीं बोला था। तो आज मैं सच बात बता रहा हूँ, जो खड़े होने की हिम्मत भी दी है ना यहाँ माइक पे, सर की बदौलत है। तो इस वजह से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वो जो प्रक्रिया आगे चलेगी ना, मैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा तभी बोलूंगा, ठीक है ना। और कोई बोलना चाहता है अभी तो बोल लो भाई, अब शायद सभी बोल चुके हैं जिनको बोलना था।
शायद अपनी क्लास के सबसे सिंसियर स्टूडेंट अलकेश भी, अलकेश सिंसियर नहीं है भाई, अलकेश से तो और है। सर्वप्रथम मेरे गुरुजनों को मैं गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूँ, और मेरे गुरुजनों ने जो मुझको रास्ता दिखलाया है मैं उसका कोटि कोटि नमन करता हूँ। जयपुर आने से पहले मेरे को ये नहीं पता था अपक्षय, अपरदन, डेनोडेशन, इंग्लिश की तो बात ही छोड़ो, वो पता ही नहीं था हमको क्या है क्या नहीं है। लेकिन सर के सानिध्य में जो हमने सीखा है और जो हम आगे सीख रहे हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हम आगे जिस तरह से इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं, मेरे को नहीं लगता शायद कोई ऐसे गुरुजन हमें मिले। इन गुरुजनों के लिए मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। अर्ज किया है मैंने कुछ फर्ज निभाने आया हूँ, कुछ लिखकर गुरुजन का कर्ज चुकाने आया हूँ। आप मिले तो सब मिला, कुछ करने का जज्बा मिला, नफरत भरी इस दुनिया में साथ आपका महफूज मिला, अरमा है कुछ कर दिखाने का सिखवा है भर्तियों के रद्द हो जाने का, इससे ज़्यादा क्या होगी बंदगी। हमेशा हमें इंतजार रहता है आपके क्लास में आने का। बस मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। बेबी सनम आइए। सबसे पहले मैं गुरु पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और सर को भी प्रणाम करती हूँ। मुझे ज़्यादा बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए सोची थी कि आएंगे, उसके बाद में मुझे मेरे चाचा ने बताया कि ये सर जयपुर में सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ इनके पास में आई, इन सर ने मेरे को बताया कि हाँ फर्स्ट टाइम में भी हो सकता है। इन्होंने बुक्स बताई और कहा कि मेरे नोट्स पढ़ना और उनके ऊपर रहना, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ अभी तक और आई होप कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू। छोटे शब्दों में शानदार बात बोली कि पहली बार में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, अपने साइकोलॉजी में पढ़ा नहीं है। जॉन लॉक ने लिखा है कि बच्चा जो वो बच्चे के लिए बोलते हैं, मैं बोलता हूँ जो पहली बार फर्स्ट ग्रेड या किसी की चीज की तैयारी करता है वो कोरे कागज की तरह होता है, और जो कुछ भी पहली बार में पढ़ता है ना उसी तरह उसके दिमाग पर छपता है। चाहे आप पहली बार में देख लो, पहली बार में आप आरएस की तैयारी करके देख लो, कोई सा भी एग्जाम आप फाइट कर लोगे। आप कांस्टेबल की करके देख लो एक बार, फिर कांस्टेबल की चीजें याद होगी कि गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है, ये कब मनाई जाती है, वहीं तक। क्योंकि आप जो पहली बार पढ़ोगे ना वो आपके स्थायी रूप से अधिगम हो जाएगा। तो पहली बार वाले कुछ नहीं है, मैं यदि पहली बार में निकल जाता तो आज से छह साल पहले निकल जाता, लेकिन मेरे को कोई गम नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, सुरजीत जैसे महानुभव लोग मेरे को मिले। तो अब और कोई मित्र बोलना चाहे तो बोल सकता है। सुरीला मैडम जी आप आइए बोलिए, बहुत सारी बातें करते रहते हो वैसे पीछे भी। तो गुरु, मेरा गुरु जी को प्रणाम और सभी से पार्टियों को सभी क्लास में प्रणाम। और कुछ नहीं बोल पा रही, जो भी बोलेगा वो बेरा राम जी जो बोलेंगे वो भी मेरा मान लेना आप, और ये जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। शायद ये पहले लग जाते तो अपन को इतना नहीं मिलता और अब इनसे और कुछ ज्यादा सीखने को मिल रहा है।
सुरीला मैडम जी ने बोला कि मैं जो बोलूंगा ये इनके ही शब्दों में बोलूंगा, तो ये मेरे को बोल रहे थे बल तीन प्रकार के होते हैं। तो अब सारे मित्र बोल लिए, तो अब गुरु जी का आशीर्वाद सब स्वरूप अपने को सुनने को मिलेगा। और ध्यानपूर्वक ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण, आप अनुमान लगा सकते हो ऑनलाइन चैटिंग पढ़ के कि सभी बोल रहे हैं कि खास हम अभी इस क्लास में होते, तो अपन कितने भाग्यशाली है। एक दिन एक दो घंटे में कुछ नहीं होता, अरे मैं बोलता हूँ 7 दिन में भी कुछ नहीं होता। यदि आदमी ईमानदारी से डेली के 6 घंटे पढ़ता है ना, तो आईएएस के अलावा कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो 6 महीने तैयारी में निकल नहीं सकता। हम तो वैसे निटल हैं, आप मेरा उदाहरण नहीं मानते, क्योंकि मैं कभी इधर भटक जाता हूँ कभी उधर भटक जाता हूँ। तो कॉन्स्टेंट होके जो बंदा 6 महीने डेली के 6 या 7 घंटे पढ़ता है, वो आईएएस के अलावा कोई सा भी एग्जाम फाइट कर सकता है। ये बात आप गांठ बांध के रख सकते हो। तो और कोई मित्र यहाँ बोलना चाहे तो बोल सकता है, वरना अब सर के शब्द आशीर्वाद स्वरूप अपने को सुनने को मिलेंगे। और ऑनलाइन में अभी बोल रहे थे कि सर कौशलेंद्र सर की मुस्कान सभी को अच्छी लगती है, तो हमेशा मुस्कुराते रहें क्योंकि अलग ही लुक आता है फिर। और गोस्वामी सर हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं, और क्योंकि जो चाहे कोई भी हो, जो बंदा दिल से पढ़ाता है, अपने से दिल से जुड़ा हुआ होता है, तो मनमुटाव कोई नहीं होता, किसी का नहीं होता दिल से। बस एक गुस्सा होता है क्योंकि अपन उनकी चीजों को फॉलो नहीं करते। अपन के लिए 24 घंटे में से आप मान लो 18 घंटे अपन को समर्पित करते हैं ये सर। अपन समझ सकते हैं कि कोई अदर, जैसे हम, मैं किसी टीचर का नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो पैसे के लिए इतने भाई आपको कोर्स दे दिया, ये पढ़ा दिया, चलो छुट्टी। तो सर इतने दिल से पढ़ाते हैं, और मेरा जुड़ने का कारण यही है कि जो सर इतने दिल और तमन्ना के साथ अपने को पढ़ाते हैं, तो उनको रिजल्ट भी अपना देना बनता है। और सुखाराम को तो याद है, वो कहाँ गया, अभी गायब हो गया सर। तो सर मेरे को, सुखाराम को तो 2-3 दिन में एक बार यदि रैंक टॉप 10 में नहीं आती तो फिर फोन आ जाता है कि भाई क्या कर रहे हो। अभी तो वैसे सर मैं समझ आऊंगा, क्योंकि पहले लैब असिस्टेंट में थोड़ा इधर उधर भटक गया था, अभी वीडियो का था इसलिए नहीं आया। अब मैं टॉप 5-6 में आ जाऊंगा, नहीं तो टेक्निकल टीम से बोल के आ जाऊंगा, पर आऊंगा जरूर। ये है, तो और कोई मित्र यदि बोलना चाहे तो। अब सर से अनुरोध है कि वे अपने, कौशलेंद्र जी सर अपने शब्दों से सबको लाभान्वित करेंगे। सर के लिए एक बार तालियां। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ये गुरु पूर्णिमा का एक शुभ अवसर है, और ये कि ऐसा दिन है जिस दिन अपन ये मान के चलते हैं कि जो गुरु बिना कुछ इच्छा के अपना सब कुछ अपने विद्यार्थियों को देता है, ठीक है, तो विद्यार्थी का जो भाव है गुरु के प्रति, उस भाव को प्रदर्शित करने का ये एक दिन है। और मैं आज मतलब वहाँ अभी प्लॉट पे था, और वहां से मैं यहाँ दौड़ा दौड़ा आया, तो मुझे खुद को इच्छा हो रही थी, आप, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं हो रहा था, मुझे खुद को इतनी इच्छा हो रही थी कि मैं कहाँ उलझ गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि आज मैं अपने बच्चों से के साथ अभी हूँ, और मैं पहले 1-1.5 घंटे पहले आ जाता तो और भी ज्यादा एंजॉय करता आप लोगों के साथ। मुझे सिर्फ एक ही चीज याद है, ज्यादा कुछ भी याद नहीं है, वो ये है कि बचपन में एक प्रेयर बोला करते थे, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, और ये प्रेयर किसके लिए बोली जाती है, टीचर्स के लिए बोली जाती है। तो टीचर्स में माता और पिता, सबसे पहला गुरु तो कौन होती, माँ होती है, और पिता एक पालनहार होता है, तो दोनों ही गुण मिलते हैं किसमें, टीचर में। वो अलग बात है कि आज टीचर अपनी कर्तव्य को भूल चुके हैं, वो एक अलग तथ्य है कि आज टीचर अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं। टीचर सिर्फ वही हो गया जो बोर्ड पर आकर कुछ बातें बोलना, लिखना, और जो तथ्यात्मक है उन बातों को सिखाना। मेरे साथ थोड़ा सा अलग है, मेरे साथ ये है कि हमेशा बेटा
पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। और एक मतलब सीमाएं पढ़ी थी ना अपने, सीमाएं सीमांत, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर, ये ग्रिफिथ टेलर या फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है, तो सीमाएं सीमांत। और एक होता है केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र इट मीन्स आत्मा या दिल, और सीमाएं सीमांत इट मीन्स अपन जो कार्य कर रहे हैं उसकी कहां तक सीमाएं हैं अपनी। मैं अपनी सीमाओं को समझता हूं, एक विद्यार्थी को अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। दोनों एक दूसरे की सीमाओं को समझते हुए पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, और हंसते और मुस्कुराते हुए अपन एक दूसरे का साथ दें, तो ये फर्स्ट ग्रेड क्या अपन किसी को भी क्लियर कर जाएंगे, ये तो अपने लिए मामूली सी बात है। जो भी काम करो दिल के साथ करो, अंतरात्मा के साथ करो, अभिरुचि के साथ करो, तभी अपन को सफलता मिल पाएगी। चले तो एक सामान्य तथ्य था, और ऑनलाइन विद्यार्थियों से मैं थोड़ा सा क्या कहूँ इसे, आज माफी के लिए भी नहीं बोल सकता, बाकी नाराज मत होना, और सभी एक बार जल्दी से पीले पीले घोड़े भेजो, ठीक है, मुस्कराने वाले भेजना, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, क्या वो सारी मैं पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जल्दी से हंसो, वेरी गुड रुखसार, हाँ, बड़े प्यारे प्यारे घोड़े भेज रहे हैं बच्चे, और मैं अपने बड़े भाई से, भाई साहब से घोड़े दिखा रहा हूँ कि संख्या में जिसने ज्यादा भेजे उसके नेगेटिव मार्किंग कम होगी, चलिए नकारात्मक मार्किंग कम होगी। अब एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं, वो ये है कि अभी अभी एक बच्चे ने कहा था आप में से किसी ने कि सर की और आपकी जोड़ी लंबे समय तक रहे, वर्षों वर्ष रहे, सातों जन्मों तक रहे, तो है भाई, ठीक है, और रहेगी, ठीक है। हमारा जो मतलब इतना सिली का प्रदान लावा है ये, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में गाढ़ा लावा है, थोड़ा सा सिलिका की मात्रा ज्यादा है, सिलिका की मात्रा ज्यादा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर के साथ, तो सर मेरे से आज नहीं लगभग 25-26 साल से जुड़े हुए हम लोग, साथ में हैं, एजुकेशन साथ में हुई, और एजुकेशन टाइम की मैं बात बताता हूं कि सर हमेशा मेरा ध्यान रखते थे, मेरा बहुत ध्यान रखते थे, भले मैं अलग कमरे में रहता था अजमेर में, फिर भी वो मेरा पूरा ध्यान रखते थे कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, खाया नहीं खाया, पढ़ाई कर रहा है क्या नहीं कर रहा, जबकि हम एक ही क्लास में थे, फिर भी सोचो एक ही क्लास में। अभी भैराराम जी कह रहे थे और अपना सुखाराम जी, सुखाराम एंड भैराराम, ठीक है, बहुत हार ब्रदर्स, तो वो ये कह रहे थे कि हम सहपाठी हैं, हम भी सहपाठी थे, ठीक है, उनका तरीका अलग था, हमारा तरीका अलग है। हमारा एक ऐसा था कि इतनी ज्यादा सीमाएं थी लेकिन हम दिल से जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं, और शायद ये आत्मा और शरीर जब तक रहेगी तब तक जुड़े रहेंगे, हमेशा जुड़े रहेंगे। और मतलब ये है कि मैं कहना मतलब भावुक पर्सनालिटी हूं, तो मुझे थोड़ा सा क्या है कि बोलते बोलते ये रहता है बेटा कि अपन क्या इमोशनल प्राणी है, और कुछ ज्यादा होते हैं और कुछ कम होते हैं। इमोशनल प्राणी की दो तीन बातें सिम्टम्स होती है, एक तो क्या है कि वह कभी झूठ नहीं बोलता, जो बोलना मुंह पे बोल देता है, गुस्सा कर लेगा तुरंत कर लेगा वो, उसको टाइम नहीं लगेगा, गुस्सा तुरंत आता है, ठीक है। और मैं अपने गुस्से पे काबू कैसे पाता हूँ, एक ही बात से कि आप मेरे बच्चे हो, ये सोच के मैं हमेशा अपने गुस्से को काबू कर लेता हूँ। और बोल तो जाओ किसके बच्चे हो आप, एक बार जोर से बोलो किसके बच्चे हो, ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ किसके बच्चे हो आपके। तो जब हम पिता तुल्य है और टीचर्स जो दिल से पढ़ाते हैं वो कभी ऐसे ही गुस्सा नहीं होते, और नहीं होऊंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ नहीं होऊंगा, पहले भी किया था लेकिन तोड़ दिया, अब के नहीं तोड़ूंगा, ठीक है, अब कभी गुस्सा नहीं होऊंगा, पढ़ाएंगे जी भर के पढ़ाएंगे, आप जो टॉपिक पूछोगे सब पढ़ाएंगे, ठीक है, और बस पढ़ते रहे जबरदस्त तरीके से। तो मैं सर के और मेरे बारे में बता रहा था कि हमारा जो रिलेशन है एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, और हम भविष्य में भी साथ रहेंगे,
ठीक है, एक सहपाठी होते हुए भी एक मतलब इतना बीच में सीमाएं हैं, और वो मेरे बड़े भाई साहब हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, और हमेशा साथ रहे हैं, आगे भी साथ रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। और मैं भी भाई साहब को एक टीचर के रूप में देखता हूँ, तो आते ही मैंने भी ढोक दी, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो भाई साहब के लिए ये कह सकता हूँ मैं कि एक अच्छी पर्सनैलिटी और एक अच्छी मतलब अच्छा गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी एक अच्छा जन सेवक, ठीक है, सरकारी सेवक, और प्लस अच्छा एक पति, पिता, बड़ा भाई, सर्वगुण संपन्न है, और शिक्षक तो है ही है, आप लोग इतने पढ़ रहे हो, मेरे से ज्यादा सर ज्यादा डेडिकेटेड है, ठीक है, मेरे से कई गुना ज्यादा। इस बार तो मैं 10 या 15% ही डेडिकेट हूँ, बाकी 85% तो सर ही डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज गुरु पूर्णिमा पर मैं इन चरणों को सादर नमन कर रहा हूँ, और आप लोगों को मैं ढेर सारा आशीर्वाद दे रहा हूँ कि बेटा ऊंचाइये को छुओ, ऊंचाइयों की मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचाई को छुओ। और ध्यान दो, आप ऊंचाई को तभी छू पाओगे जब आपका आत्मविश्वास जगेगा, और आत्मविश्वास ध्यान ने जगाने के लिए हमेशा एक टीचर की जरूरत पड़ी है, ठीक है। एक ध्यान ने नकारात्मकता दिमाग में कभी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, नकारात्मकता दिमाग में नहीं आनी चाहिए, नफरत कभी दिमाग में नहीं आनी चाहिए, नफरत हमेशा इंसान को एक गलत राह ले जाएगी, नफरत किसी समस्या का हल नहीं है। नकारात्मकता कभी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिविटी कभी नहीं होनी चाहिए। धरती पर देखो, ध्यान से सुनो, इस पर्व पर मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सबसे मेन है एक अच्छे नागरिक बनना, फर्स्ट ग्रेड बाद की चीज है, पहले एक अच्छे नागरिक बनना। और अच्छे नागरिक के लिए सबसे पहला होता है कि पृथ्वी अपनी है, और मैं ऑनलाइन में कितनी बार कहता हूं कि पृथ्वी मुस्कुराती है, और पृथ्वी मुस्कुराती तभी तो अपन पृथ्वी पर है, चंद्रमा कौन सा मुस्कुराता है, बुध कौन सा मुस्कुराता है, बुध का टेम्परेचर कितना रहता है, दिन में बहुत ज्यादा, रात में बहुत ज्यादा, दैनिक तापांतर सर्वाधिक कौन से ग्रह का है, सबसे ज्यादा बुध का है, मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं ना। तो ध्यान ने पृथ्वी मुस्कुराती है, इट मीन्स पृथ्वी पर जीवन है, और इंसान उस पृथ्वी की सर्वोत्तम कृति है, अकॉर्डिंग टू कार्ल रीटर, इंसान पृथ्वी की सबसे खूबसूरत कृति है, और इंसान एक बुद्धिजीवी है, लेकिन इंसान को भी प्राकृतिक नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए, जैसे जितने भी अन्य जीव है वो पर्यावरण में कभी भी ध्यान ने उनके लिए कौन सी जाति, उनके लिए कौन सी पार्टी, उनके लिए कौन सा धर्म, उनके लिए कौन सी सोसाइटी, क्लियर। तो अपन ध्यान ने एक थोड़ा सा ज्यादा समझदार प्राणी हो गए। मैं यहाँ सिर्फ एक बात जाते हैं, मतलब अभी तो खत्म नहीं करूंगा, एक बात आपको कहूंगा कि डायनासोरों का अंत क्यों हुआ, जुरेसिक टाइम ड्यूरेशन के बाद डायनासोरों का अंत हुआ, उनकी संख्या में वृद्धि होने के कारण, और उनका विशालकाय रूप, मानव का आज लिख के ले लेना, मानव का अंत मानव के कारण ही होगा, और उसकी अति बुद्धि के कारण होगा। डायनासोरों का अंत उसके विशालकाय शरीर के कारण हुआ है, तो मानव का अंत ध्यान ने अपन छोटे होते जाएंगे, बट अपनी अति बुद्धि अपन को ध्यान ने विनाश की ओर ले जाएगी, और यह आप देखना शुरू कर दो, मतलब महसूस करना शुरू कर दिया होगा आपने, क्लियर। तो ध्यान ने एक अच्छे नागरिक बनना बहुत जरूरी है, फर्स्ट ग्रेड से पहले, फर्स्ट ग्रेड में तो सारे लगोगे, ये मेरा आशीर्वाद है, सर का आशीर्वाद है, और फर्स्ट ग्रेड में तो 100% लगोगे, लेकिन साथ के साथ एक अच्छे नागरिक बनना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों में माता और पिता दोनों का रूप है, और हम लोग हमेशा आप लोगों को अपने बच्चों की तरह ही देखते हैं, जैसे, और मेरा ट्रीट तो आप देखना कि जैसे मैं अपने घर पे बच्चों के साथ अनुराग, यशु, ठीक है, सिब्बू, कन्नू, इनके साथ जैसा व्यवहार करता हूँ, वैसा हंसते मुस्कुराते हुए, क्लियर, वैसा ही व्यवहार करता हूँ। और मैं इतना हंसता मुस्कुराता क्यों हूं, उसका कारण है सर, क्यों, क्योंकि ध्यान दो, हम्बोल्ट इसलिए था क्योंकि रीटर था, ठीक है, डेविस इसलिए था कि पेंक था, अगर पेंक और डेविस, तो ऐसे ही हार्टशोन इसलिए था, क्यों, क्योंकि हार्टशोन इसलिए था क्योंकि सेफर था, क्योंकि
सेफर था, क्लियर। इसीलिए मैं हंसता मुस्कुराता हूँ क्योंकि बड़े भाई का आशीर्वाद मेरे साथ है और उनका मतलब एक तरीके से कह नहीं सकता, मेरा जितना भी मतलब पर्सनल हो चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो मैं सबसे पहले भाई साहब से शेयर करता हूँ, हालांकि बहुत कुछ कम बता पाता हूँ, ठीक है। और मतलब हंसते मुस्कुराते हुए भाई साहब सारी बात मैं कह देता हूँ। तो आज इस जो गुरु पूर्णिमा है इस पे मेरा यही आशीर्वाद, सफलता के झंडे गाड़ो और पढ़ाई करो और अपने आत्मविश्वास को पॉजिटिव एनर्जी के साथ और हमारे आशीर्वाद के साथ जबरदस्त वाला बढ़ाओ, रोज माता पिता का दर्शन करो और मजे से पढ़ो, ठीक है। एक बार जरूर चाहे बाहर रहते हो मम्मी और पापा से बात कर लिया करो, ठीक है, उससे क्या पॉजिटिव एनर्जी आती है। और अभी जितनी मेहनत करनी हो उतनी कर लो, एग्जाम से एक या दो दिन पहले रिलैक्स होके सोना, अगर आप मूवी देखना जाना चाहते हो तो मूवी देखना, गेम्स खेलना चाहते हो तो गेम्स खेलना, क्योंकि एग्जाम के एक दिन की पढ़ाई कभी काम नहीं आती, एक दिन पहले की पढ़ाई कभी काम नहीं आती। अभी जितनी मेहनत करनी है उतनी मेहनत कर लो, उस समय तो जितना रिलैक्स होना चाहिए उतना रिलैक्स रहे। इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, और ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों एक बार जल्दी से मुस्कुरा दो, जोरदार तरीके से जितना कंटेंट आप चाहोगे उतना पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे अपन जबरदस्त। जय हिंद, जय भारत। सर ने आज थोड़े कम शब्दों में ही समझाया, वरना एक दो घंटे समझाते हैं, तो फिर भी शानदार बातें कही। एक बात इन्होंने कही कि हम फैंसी क्लावे की तरह हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि सर आप मैफी क्लावे की तरह रहे जिनमें मैग्नीशियम और फेरस रहे और फैलता जाए और सब उसका लाभ उठाता रहे और चारों तरफ फर्स्ट ग्रेड का पठार सा बनता नजर आए और उसमें मैं और सुकाराम मैसा बूटी की तरह खिलते रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सर से आह्वान करना चाहता हूं कि वो अपने वाणी से देखो ऐसे जागृत होते हैं। मैं सर के लिए एक बात कहना चाहूंगी कि जब मैं यहाँ आई थी जयपुर में तो सबसे पहले सर की क्लास ली है मैंने और सर से ही सब कुछ पढ़ा है। तो इस बार मैं लेब का वो जो पेपर मिला रही थी तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि गोस्वामी सर कौन से, उनसे मिलवा वो दिखा सर, लाए चल रहे थे सर, मैंने बताया कि ये सर है गोस्वामी सर। तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि अगर ऐसे सर हमें मिल जाते तो पता नहीं हम आज से और ज़्यादा ऊपर होते, और हमें तो कोई मिला ही नहीं था फिर भी हम यहाँ तक पहुँचे। हमारी ऐसी परिस्थितियाँ थी कि कमाने वाले भाई हम ही थे बड़े, और सबसे पहले हम बड़े होते हैं उनका ही वो होता है फर्ज होता है, और हमें तो इतने पैसे भी नहीं मिलते थे, और आज तो हम जितना आप चाह रहे हो उससे 5,000-4,000 एक्स्ट्रा भेज रहे हैं, और आपके सर इतने ऐसे मतलब अच्छे पढ़ा रहे हैं कि मतलब आपने एक बार फीस जमा कराई उसमें आप 3-3 बार कोचिंग कर ली और पढ़ रहे हो। हमें तो अगर आपके गोस्वामी सर जैसे सर मिलते तो पता नहीं मैं कहाँ पहुँचता, इसलिए सर को देख के भी ऐसा बोल रहे थे कि एक बार जरूर जयपुर जाएंगे सर से मिलेंगे और इनसे कुछ सीखो। और जब भी मेरा ऐसा होता है कि मेरे से अब तैयारी नहीं हो रही, मैं नहीं पढ़ पा रही, तो मुझे यही बोलते हैं कि अपने गोस्वामी सर से बात करो, वो क्या कह रहे हैं वो ही करो तुम। तो सर के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको वो घर बैठे भी ऐसे मान रहे हैं कि इनके जैसे रहो। घर से भी कई बार कॉल करवा के यही बोला है, जब मेरी दिक्कत हुई थी पढ़ाई नहीं हुई थी तो भी यही बोला था कि तू सर से बात कर ले एक बार कि तेरे को क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए या पढ़ना चाहिए, जयपुर जाएगी या घर रहेगी। मतलब मैं अपने आप और से कुछ भी नहीं कह सकता, तू अपने सर से बात कर, और वो सर को ही सब कुछ मान रहे हैं आज भी। देखो हृदय परिवर्तन और इंसान में किस तरीके से यही थे जो पहले बोल नहीं पा रहे थे, ये ऊर्जा का संचार है, ऐसी ऊर्जा बनी रहे क्लास के सभी विद्यार्थियों की। और मैं बहुत सारा बोल लिया क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं ऐसे बोलता हूँ, हमारे मारवाड़ी में बकना जैसे बोलने को बोलते हैं, ऐसे कि जो बकता है वही बकता है, पूरे दिन बोलते रहो, अपना यही काम है। वैसे नौकरी लगने के बाद मेरी स्कूल में एंकर में ही रहूंगा, ये फिक्स है, चाहे कोई पहले से वहां बोल रहा हो नहीं बोल रहा हो। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सर से आह्वान करूंगा कि वो अपनी शब्दों से लाभ दे। सबसे पहले मैं शारदे को नमन करता हूं, मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, मेरे सम्मुख
मेरे अभिमुख बैठे ऑफलाइन के छात्र, दूर दराज डाणी और गांव में बैठे हुए सभी ऑनलाइन छात्र, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई और बहनों, आज का जो आपने हमें ये जो सरप्राइज दिया है, मैंने सोचा नहीं था, मैंने और कौशलेंद्र सर ने ये नहीं सोचा था कि आप इस तरह की इतनी तैयारियां अचानक कर लेंगे। मैंने कहा, मैंने सोचा मेरे सामान्य प्रोग्राम है, मुझे दो दिन से फीवर आ रहा था, लेकिन जैसे भाई बेराराम और सुखाराम ने मुझे सूचित किया कि नहीं सर आपका आना जरूरी है, तो मेरा फीवर ही दूर हो गया। आपका वात्सल्य, आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपकी अटूट आस्था हमें, आपका विश्वास हमारे प्रति ये कितना है, ये दोस्तों हमें आभासित होता है। पहले से मुझे आभास था कि बच्चा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ नया करना जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम उपस्थित रहेंगे। आपके द्वारा किया गया ये आयोजन, आप सभी आयोजनकर्ताओं का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी बच्चों को, कि इस कार्यक्रम ने हमें और जिम्मेदारियां बढ़ा दी है। मेरा भाई अनुज, डॉक्टर कौशलेंद्र शर्मा जी, इस देखिए अभी आप कम से कम 20 या 25 किलोमीटर दूर से आए, बहुत बिजी चल रहे थे, लेकिन आप लोगों के बार बार फोन जाने की वजह से ये तुरंत बीच में काम छोड़ करके आए, महत्वपूर्ण काम था। आप सभी छात्रों की शुभकामनाओं से, और इस वर्ष आपने लगभग 200 वर्ग गज जयपुर में प्लॉट लिया है, उसका काम आप अभी शुरू करवाया था, तो देखिए इतने महत्वपूर्ण काम को छोड़कर और अपने बीच में पधारे हैं, मीन्स आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपने हमारे साथ जो विश्वास और जो भरोसा जताया है और जताएंगे, इन्हीं उम्मीद और आशा के साथ, उन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, हम आपकी इच्छाओं के अनुरूप प्रतिबद्ध हैं। बार बार मैं ये कहता हूँ, हम हमेशा आपको हमारे छोटे अनुज मानते हैं, हम दूसरे नहीं मानते हैं। मेरे साथ ऑनलाइन के जो छात्र हैं, राजस्थान ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली से भी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं मेरे पास, जो ग्रेड फर्स्ट की आरपीएससी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों की अपेक्षा और उम्मीद यही है हमारे से कि सर हमें अच्छा दिया जाए, अच्छा कंटेंट हो। ज्योग्राफी अपने आप में देखिए दोस्तों बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, और इस विषय को सीमांकित करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, हर कोई बच्चा निर्णय नहीं कर पाता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बिना किसी गाइड के ये काम दोस्तों संभव नहीं है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि आपकी वजह से आज हम दोनों भाइयां खड़े हैं, उसके लिए मैं आपके ये सभी ऑनलाइन छात्रों को और ऑफलाइन सभी छात्रों को धन्यवाद दूंगा कि हमारे में जो ऊर्जा आती है वो आपको देख कर आती है, वरना हमारे जो साथी हैं, जितने भी हमारे जो साथी हैं, सब्जेक्ट को भूल चुके हैं। हमारे साथ जो आरपीएससी के द्वारा लेक्चरर पर पदस्थापन जिन लोगों ने लिया था, यदि आप उनसे अभी डायरेक्ट अगर ज्योग्राफी की डेफिनेशन पूछे तो वो ढंग से नहीं बता पाएंगे, शब्दकोश भूल चुके हैं, सब्जेक्ट को भूल चुके हैं, लेकिन आप जैसे विद्यार्थियों की वजह से दोस्तों हमारा ज्ञान दिन प्रतिदिन, मैं कहूंगा कि आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, उसका श्रेय मैं आप सभी जैसे छात्रों को देना चाहूंगा। मेरे सामने ऑफलाइन और ऑनलाइन में चयनित ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, अन्य राजकीय विभागों में कार्यरत काफी कर्मचारी हैं जो मेरा ये उद्बोधन सुन रहे हैं। मेरे से पूर्व मेरे यहाँ ऑफलाइन के छात्र भाई भैराराम, शुकाराम, सुरीला, सुमन चौधरी, अशोक, अल्केश, रवि, अमृतबाला, बेबी शनम चौधरी, काफी छात्रों ने आकर के बहुत सहज शब्दों में अपना उद्बोधन दोस्तों आप और सबको दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने लाजवाब शब्दों में ये जवाब पेश किया है। इवन कि अभी हाल ही एक माह पूर्व हमारे से जुड़े हुए अर्जुन भरतपुर से हैं, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं,
आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन अभी मैं शांति से उनका जब उद्बोधन सुना तो दोस्तों उन्होंने तो हद कर दी, पूरी लैंग्वेज ही पूरा शब्दकोश ही ज्योग्राफी का बोल रहे थे। कितने कम समय में उन्होंने अपने आप को विषय में परिणित कर लिया है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं जब भी आप लोग एडमिशन लेते हैं और जब समय समय पर हम दोस्तों आपके साथ वार्तालाप करते हैं, मैं और कौशलेंद्र सर यही अपेक्षा करते हैं कि विषय में जीणा है। जब तक आप व्याख्याता नहीं बने, मैं कहता हूं दिन और रात हमेशा आपको विषय में जीना है। विषय में जीने का मतलब यही होता है जिसे अर्जुन ने बात की है। आप अपक्ष अप्रधन की बात कर रहे थे, आप मैफिक फेलोशिप की बात कर रहे थे, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, मींस वो इसका मतलब ये है कि वास्तव में आप हमारे शब्दों को पोषित कर रहे हैं, पल्वित कर रहे हैं, उनको आत्मसात कर रहे हैं, वास्तविक रूप से उनको क्रियान्वित करने का आप प्रयास कर रहे हैं। यदि आप इस तरह से अगर शब्दों को दिन प्रतिदिन इस तरह से अगर आत्मसात करते हो तो भूगोल विषय इतना इजी है कि इसके मुकाबला कोई इजी सब्जेक्ट है ही नहीं। पढ़ने और पढ़ाने में बड़ा दोस्तों मजा आता है। अभी जैसे भाई बहराराम ने बोला कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लर्निंग जो प्रोसेस है जीवन पर्यंत चलती है, अपन जन्म से लेके मरण तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों अभी हमारा करियर का सवाल है, हमारे सामने एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई छोटी मोटी पोस्ट पर पदस्थापन लेने नहीं जा रहे, आप एक बहुत महत्वपूर्ण गजेटेड पद पर पदस्थापन लेने जा रहे हैं। आप जैसे विद्यार्थी पूर्व में हमारे जो चयनित विद्यार्थी हैं वो भी अभी इसमें जुड़े हुए मेरे पास ऑनलाइन, जो विभिन्न राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अभी पदस्थापन है, यहाँ से हमारे भीलवाड़ा से जुड़ चुके हैं, अजमेर से जुड़ चुके हैं, प्रीति शर्मा स्वयं माधोपुर से जुड़ चुकी है। दोस्तों प्रीति शर्मा जैसे अभी सुरीला जो बात कर रही थी, इस तरह के शब्द सुन करके हमें दोस्तों बहुत बड़ी तकलीफ और हो जाती है कि आपके पेरेंट्स, आपके मदर फादर, आपके हस्बैंड हमारे प्रति कितना विश्वास करते हैं। मतलब कोई भी काम हो तो कहेंगे कि आपके सर को पूछिए। मैं बताऊं प्रीति शर्मा मेरे पास फ्रेश, जैसे बेबी सनम झुंझुनू से आए हैं, बिल्कुल फ्रेश बच्ची आई थी भरतपुर से, पेशावर से, वो बच्ची 6 महीने में सिलेक्शन दी गई। और जब सिलेक्शन उस बच्ची का हुआ प्रीति शर्मा का, ऑनलाइन जुड़ी हुई है, तो उसके पापा ने मेरे से बात की, बोले सर आपकी वजह से मेरी बच्ची का सिलेक्शन हुआ है, मैं नहीं जानता, इसकी सगाई संबंध आपको करना है। कितनी बड़ी बात होती है कि एक पेरेंट्स, कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, क्या सोच समझ के उन्होंने मुझे बोला होगा, मेरे आंसू आ गए उनकी बातों को सुनकर के। जबकि कभी हमारा संप्रेषण नहीं हुआ उनके पेरेंट्स के साथ, लेकिन जैसे उसने सिलेक्शन दिया, शाम को मेरे पास पहला फोन मेरे पास आया कि सर बच्ची का संबंध आपको करना है, कहां भरतपुर कहां जयपुर। कितना विश्वास करते हैं आप और आपके पेरेंट्स, आपके संरक्षक या जिन पर आप निर्भर हैं, वो हमसे कितनी अपेक्षा करते हैं। उस विश्वास को कायम रखने के लिए दोस्तों हमें बीच राह में कभी कभी आपको डांटना भी पड़ता है, आपको फटकारना भी पड़ता है, क्योंकि बिना जब तक भय नहीं होगा तब तक दोस्तों अपन कार्य में सिद्धि हासिल नहीं कर सकते। अभी 2-3 दिन पहले की मैं बात बता दूं, भाई कौशलेंद्र जी क्लास ले रहे थे, हालांकि ये जीवन में कभी गुस्सा नहीं करते, मैं करता हूं, ये कुछ नहीं करते गुस्सा, लेकिन इनकी अपेक्षा के अनुरूप अगर कोई परिणाम नहीं आता है तो दोस्तों फिर स्वाभाविक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप हमसे कितनी उम्मीदें लगाए हुए हैं। इस वजह से नेचुरल है कि गुस्सा आना कि यार किस आशा के साथ आप हमारे पास आए हैं, बात पैसों की नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो अभी ये जो समय चल रहा है, एक एक दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पेरेंट्स ने, आपने आपका कैरियर हमें दे दिया कि सर ये 1 साल हम आपके नाम है। 3 अक्टूबर 2021 को अपन ये बेच प्रारंभ किया है। दोस्तों राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल का बेच नहीं है, ग्रेड 3 का बेच नहीं है, जो हम 2 महीने में सिलेबस पूरा करा दें, होता भी नहीं है। यदि कोई सिलेबस 2 माह में करवाता तो इसका मतलब वो सिलेबस नहीं करवाया।
ये सिलेबस लगभग 500 घंटे की क्लास का है। ये ऑनलाइन बच्चे भी सुन रहे हैं, इनको मैंने लगभग 450 घंटे की क्लास दे दी है और अभी भी करीबन 40 से 50 घंटे की क्लास बकाया है। और यदि आप सॉल्यूशन को जोड़ेंगे, जो हम पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, कम से कम 200 घंटे, वो 700 घंटे होते हैं, 700 घंटे में हम ज्योग्राफी को सीमांकित करने का प्रयास किया है। हालांकि उसमें कोई पीएचडी और रिसर्च नहीं है। अभी भाई बैराराम बता रहा था कि क्या पढ़े कैसे पढ़े, उन 700 घंटे को तैयार करने के लिए पर आवर 10 घंटे, और वहां जो 700 घंटे हमने तैयार किए हैं वो ऐसा नहीं कि इस तरह से काम हो गए, क्योंकि उसका अंदाजा आपको नहीं। मेरी और कौशलेंद्र जी की नजरों में पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं ईश्वर का धन्यवाद दूंगा, मेरे माता पिता का धन्यवाद दूंगा कि हम पर इतना आशीर्वाद है कि हमारा जीवन निर्वाह हो रहा है, हमें कोई करोड़पति अरबपति नहीं बनना है। मेरी और सर की इच्छा है कि जो स्टूडेंट हमसे जुड़े ऑल राजस्थान में या सीमांकित जितने भी जो स्टेट से बच्चे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, उनका करियर बनना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बच्चे का करियर बनता है तो उसके 70 साल संवरते हैं। यदि किसी स्टूडेंट के 70 साल संवरते हैं तो मेरा मानना है कि उसकी दो पीढ़ी क्लियर होती है, दो पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन उसकी क्लियर होती है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होता है। और मुझे विश्वास है कि वो दुआएं हमें काम करती है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, कई बार हमारे ट्रांसफर होते हैं एक झटके में कैंसिल हो जाते हैं, कई बार एक झटके में ट्रांसफर कैंसिल हो जाते हैं। उसका मैं आप लोगों को दूंगा कि आपकी शुभकामनाओं से ईश्वर इतनी मदद करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता जयपुर वापिस। ये आपका प्यार, आपका स्नेह और आपकी शुभकामनाएं सब बच्चों की, क्योंकि हमारे साथ हजारों बच्चों का कैरियर जुड़ा हुआ है, हजारों बच्चों का कैरियर जुड़ा हुआ है। और यदि हम डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे हजार बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। विगत एक साल से आपने कुछ नहीं, आके हमारे हवाले हो गए कि सर कब आना है, कितने बजे आना है। धन्यवाद दूंगा मैं ऑफलाइन ऑनलाइन वाले सब बच्चों को, हमने जब भी समय चेंज किया आपने हमारे अनुसार उसको एडजस्ट करने का प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र। और सबसे बड़ी बात और मैं बताऊंगा कि आज तक हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बीच में कभी भी किसी बात को लेकर विवाद नहीं हुआ, प्रेम शांति प्यार मोहब्बत से आप पढ़कर जाते हो। वरना कभी कभी किसी न किसी बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, लेकिन विगत 8 साल से किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई। इस अटूट प्रेम और स्नेह के लिए आप सब छात्रों का मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बच्चे एक दूसरे के प्रति, मैं कहूं सिस्टर माने चाहे भाई माने, एक दूसरे के साथ बैठ करके आसानी से 2 घंटे 3 घंटे जब भी क्लास हुई पढ़ करके गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को कभी हमने 6 बजे भी बुलाया, सुबह 6 बजे भी बुलाया। इससे पहले जो 2018-20 का बेस था सूर्यला वगैरह, ये आप भेरा राम 5:30 5:30 बजे भी, सुबह 5 बजे भी बुलाया और बेच आया है। और जब हमने टेस्ट एनालिसिस किया विगत बार, तो ग्रीष्मकाल के दौरान 12 से 3 बजे भी बेच आया है। कहने का मतलब सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जब जब हमने ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच को बुलाया है आप प्रेजेंट हुए हैं। उससे लगता है कि वास्तव में आप एक ताकत रखते हो, एक शक्ति रखते हो, एक विश्वास रखते हो कि यस मुझे ये करना है। दोस्तों आप जैसे जो पूर्व जो चयनित जो विद्यार्थी हुए हैं वो आप में से ही उठ के गए हैं, आप में से उठ के गए हैं, कोई आपसे विशेष नहीं थे, वो केवल जरूरत ये थी समय रहते जो पढ़ा दिया गया उसको तैयार करना था। अभी शोकाराम और बहराराम बिल्कुल मैं धन्यवाद दूंगा, ये लड़के अपनी गलतियां स्वीकार कर रहे हैं। अमृत बाला को भी धन्यवाद दूंगा, या तमाम जो बच्चे कुछ नम्रों से हमारे रह गए थे उन सब बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि वो अपनी गलती मानते हैं।
साफ क्लियर, जैसे इनके सेंटर थे, किसी का बीकानेर था, किसी का अजमेर था, डायरेक्ट फोन आया हमारे पास कि सर पूरे के पूरे क्लास नोट्स में से है, डिटो लैंग्वेज भी चेंज नहीं है, क्या पेपर सेट आरपीसी का क्वेश्चन अंदर सर वो आपने तो नहीं किया, ऐसे शब्द बच्चों। फिर हमने कहा भाई कोई सेट हम नहीं करी, केवल हमारा अनुभव था, सतत मूल्यांकन का परिणाम, सतत टेस्ट मूल्यांकन का परिणाम था, जिस वजह से पूरे के पूरे प्रश्न हमारे नोट्स में से और हमारे टेस्ट सीरीज में से थे। लेकिन जिसने भरोसा किया, जिसने ढंग से पढ़ लिया, वो सिलेक्शन हो गया, और जिनका नहीं हुआ उन बच्चों ने चला के हमें फोन करके क्षमा की, क्षमा मांगा कि सर हमारे से गलती हो गई कि हम उस समय आंदोलन में चले गए या हम उस काम में चले गए, उस काम में चले गए। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, जीवन में गलतियां होती है, इन गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो हो गया उन गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करे वो सबसे बड़ा इंसान है। आप में से कम विद्यार्थी जो संसाधनों का रोना रोते हैं, हमें संसाधनों का रोना नहीं रोना है कि मेरे पास प्रतिकूल परिस्थिति है, मैं नहीं पढ़ सकता, ये शब्द किसी के नहीं आना चाहिए। विशेष तौर से मैं मेरी सिस्टर्स को कहना चाहूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपके अमृतवाला एक बच्ची, एक लड़की थी, कीर्ति गुप्ता ने अभी, जैसे अभी छांगल ने बताया कि सर मैंने 2006 से पढ़ाई करना शुरू किया और बीच में मैंने छोड़ दी, तैयारी करना छोड़ दिया, लेकिन मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापन कार्य करवा रहा हूँ। आप अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं लेकिन तैयारी आपने बीच में ड्रॉप कर दी। अब सोचिए 2006 से आज 2022 चल रही है और आज उस ऊर्जा के साथ आप वापस क्लास में बैठे हुए, आप स्वयं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आप एग्जामिनर परीक्षक भी हैं और बड़ी तैयारी और जोश के साथ वापस बैठे हैं, इनके बच्चे भी हैं जैसा कि कीर्ति गुप्ता के, दो लड़के, एक लड़की और लड़का, 10 साल का गैप, बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी उस लड़की ने, 10 साल तक हाथ में नहीं ली किताब, और वो लास्ट मोमेंट जैसे अर्जुन आया अपने पास, अभी अर्जुन आपका लेटेस्ट, अपना लेटेस्ट स्टूडेंट है, आप सब पुराने हो, वो लास्ट में आई, कीर्ति ने कहा सर मैं क्या ये कर सकता हूँ, मैंने क्यों नहीं कर सकता। लेकिन ये है अर्जुन, जिस दिन उसने एडमिशन लिया फिर वो भूल गई सब, बच्चों का कोई पता नहीं, पेरेंट्स का कोई पता नहीं, पागलपन का सवार हो गया उसने। 6 महीने में उस लड़के ने टॉप किया और अपना स्टूडेंट रहते हुए ऑल राजस्थान जनरल कैटेगरी में 62 रैंक, कीर्ति गुप्ता। अभी कीर्ति गुप्ता सवाई माधोपुर जिले में व्याख्याता के पद पर कार्यरत, हजारों एग्जाम्पल है मेरे पास, इनमें से अधिकांश को तो आप जानते ही हो, आपके बीच में से गए हैं। कभी ये मन में नहीं करना कि ये मैं काम नहीं कर सकता हूं, अरे यार सब काम संभव है। जब हम इस उम्र में कौशलेंद्र सर और मैं 10-12 घंटे वर्क कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले एक ऑनलाइन छात्र थे, राकेश यादव झुंझुनू से, वो उनका मेरे पास मैसेज आया कि सर आप हमें वर्क दीजिए, हम आपके ऊपर निर्भर है। मैंने उसको रिप्लाई किया कि आज इसका टेस्ट है कार्टोग्राफी में, मैप का टेस्ट दे दीजिए। उसका वापस से रिप्लाई है सर एक टेस्ट और अपलोड कर दीजिए ना आप। बच्चे का देखिए उसकी भावना क्या थी, सर एक टेस्ट और अपलोड कर दीजिए। मैंने कहा बेटा हो नहीं पाएगा, डेली एक चलो। नहीं सर आप वर्क दीजिए, हम करेंगे। और ये बात बिल्कुल सही भी है। मैं कौशलेंद्र सर को भी कहना चाहूंगा कि जितना वर्क हम बच्चों को देंगे, बच्चे वर्क करने के लिए तैयार है। बच्चों को जितना अपन ढीला छोड़ेंगे, ये ढीले छोड़ने के लिए भी तैयार है। अगर आज अपन 7 दिन की इनको छुट्टी दे दें तो बोले सर मजा आ गया, ये किताब बंद कर देंगे और घर जाके आराम से मौज मस्ती करके आ जाएंगे। जितना हम आपको वर्क देते हैं, मेरा ये मानना है कि बच्चा उसको करता है। मुझे मालूम है अभी 1.5 महीने से आपकी क्या स्थिति चल रही है। सुबह उठते ही बोले ऑनलाइन टेस्ट, शाम को कौशलेंद्र सर की 4 बजे क्लास, 8 बजते 9 बजते बोले गोस्वामी सर की ऑनलाइन टेस्ट,
हालत खराब होगी बच्चों की, मुझे मालूम है। अभी आप इतने बिजी हो गए कि शायद पेरेंट्स से बात करने का भी टाइम नहीं है, लेकिन ये जो वर्क हमने दिया है इससे मैंने देखा है कि आपकी कार्य दक्षताएं बढ़ी है, आपकी कार्य क्षमताएं बढ़ी है, आपका वर्क करने का समय बढ़ा है। जो बच्चा 8 घंटे काम कर रहा था उसकी हमने हैबिट 10 घंटे डाल दी, उसको इंक्रीज। देखिए मेरा मानना है कि काम की दक्षता बढ़ाने के लिए टीचर्स जिम्मेदार होते हैं, एक शिक्षक जिम्मेदार होता है कि बच्चे को अपन कितना वर्क दे रहे हैं और बच्चों से किस वे में हमें एक वर्क करवाना है, किस पैटर्न पर करवाना है। बच्चे करते हैं, वास्तविकता है, ये मैंने फील किया है। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, शुकराम पर भी 2-4 दिन पहले कहीं टेस्ट देने गए थे ऑफलाइन बेच में, उस बच्चे ने टॉप कर दिया, संबंधित जहां भी गए उन्होंने टॉप किया और दूसरे जो बच्चे थे वो देखने लग गए कि यार इस लड़की ने टॉप कैसे कर लिया, तो स्टूडेंट अपना था ही नहीं और दूसरी क्लास का, दूसरी कोचिंग का आकर यहां से टॉप कर रहा है। इसने मुझे बताया, बोले सर पेपर का लेवल देखा, वो देखा, वो तो सब। तो उस बच्चे को कॉन्फिडेंस आया कि यस इन बच्चों के साथ राजस्थान में हमारी प्रतिस्पर्धा है। आप यही बच्चे नहीं है, हमारी जो प्रतिस्पर्धा है वो पूरे राजस्थान के बच्चों के साथ है। राजस्थान में कई जगह ग्रेड फर्स्ट ज्योग्राफी की कोचिंग हो रही है, उन सब बच्चों के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा है, उनसे ऊपर हमें आना है, उनसे अच्छा कंटेंट हमारे हाथों में होना चाहिए, जो कंटेंट हमने दिया है वो व्यवस्थित होना चाहिए, जो कंटेंट हमने दिया है वो क्रमबद्धता के साथ याद होना चाहिए, जो कंटेंट हमने दिया है उसमें ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण आपका होना चाहिए, इसमें ABCD क्या हो सकता है। मैं बार बार जोर देता हूं आपको, स्वयं का मूल्यांकन करने का एक ही तरीका है, चैप्टर को बढ़ने के बाद, पढ़ने के बाद यदि कोई बच्चा का माइंड, यदि क्वेश्चन पुटअप करना आता हो, उसको क्वेश्चन निर्माण करना आता हो ABCD कि यस ये क्वेश्चन है इसके ABCD होते हैं, अगर ये आ गया है तो उस बच्चे की पकड़ है, सब्जेक्ट पर उस बच्चे की बहुत अच्छी पकड़ हो चुकी है कि वो बच्चा टॉप करेगा। क्योंकि इस स्थिति में आने के लिए दोस्तों उस बच्चे ने गहन अध्ययन किया है, इस स्थिति में आने के लिए संबंधित टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से उसने समझा है, उसने तथ्यात्मक के साथ साथ जो कंसेप्ट आधारित अपन बातें कर रहे हैं उसको अडॉप्ट किया है। हमारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न दो ही जगह चलता है, या तो वो तथ्यात्मक रूप में चलेगा या वो ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट रूप में चलेगा। हमें कंसेप्ट और तथ्यात्मक दोनों बातें ध्यान रखना है और उन सभी दोनों बातों को एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित करना है। अभी सर बता रहे थे आपको अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का जीवन कार्ल रिटर के बिना अधूरा है और कार्ल रिटर के बिना अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का जीवन अधूरा है। सब एक दूसरे के समकक्ष और एक दूसरे के द्वारा दिए गए विचारों को पलवित और पोषित करने की कर्णधार, एक तरफ दोनों ही बाद में द्वंद्ववाद के चक्र में आते एक प्रादेशिक भूगोल की रचना कर देता है और एक क्रमबद्ध भूगोल की बात कर देता है। दोनों एक साथ रहने वाले लेकिन विचारों में, या मैं ये कहूं कि अनुसंधान में जाकर के वो अंतर करते हैं, एक सिस्टमेटिक बात करता है, एक रीजनल बात करता है, एक स्थान विशेष की बात करता है, एक प्रदेश विशेष की बात करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आप सब्जेक्ट में नहीं जिएंगे, जब तक सब्जेक्ट के शब्दकोश को आप आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। अभी आपने दोस्तों लैब असिस्टेंट का एग्जाम दिया है, काफी विद्यार्थियों ने नहीं दिया तो भी आपने पेपर देखा होगा कि ज्योग्राफी की जो शब्दावली क्या है उस शब्दावली को पकड़ने की कोशिश करें। एक एक शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उस पर ऑब्जेक्टिव बनाने की बात करें। जो मैं अभी बात कर रहा था कि हमारे सिलेबस को हमें कराते हुए आज 10 माह का समय हो गया है,
और 10 माह तो तब है जब हम नियमित रूप से आपके साथ काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, तब आज हम इस स्थिति में आए कि हम पाठ्यक्रम को समाप्ति की तरफ लेके चल रहे हैं। लेकिन वो ईमानदारी के साथ किया गया प्रयास है। हमें खुद को पता नहीं था कि इतने नोट्स हो जाते हैं। अभी आज बलराम आए नहीं, एक दिन मैंने बलराम को मंगाया कि आपके रजिस्टर लेके आना, 12 रजिस्टर लेके आ गया, 24 रजिस्टर, शुक्राम के 24। हुआ क्या, मैं बताऊं, बिलवाड़ा से कौशलेंद्र सर के कोई रिलेटिव आए, कौशलेंद्र सर ने मेरे को कहा, सर वैसा भी एक बार देखना, इसको कोई बच्चे के नोट्स दिला दो, मैंने भी नहीं देखा था। मैंने बलराम को फोन किया, नजदीक वही था, मैंने कहा शुक्राम की तो थोड़ी राइटिंग अच्छी है और वो बड़ा लिखता है, वो घबरा जाएगा। वो 12 रजिस्टर लेके आया, तो बिलवाड़ा से वो बच्चा इनके आया हुआ था, उनको देख के बोले सर ये क्या है, इन्होंने कहा नोट्स, बोले सर इतने, वो बच्चा वापिस ही चला गया, बोले सर नहीं रेडी। उसने सोचा बोले कोई 10-20 पेज या एक रजिस्टर होगा, 12 रजिस्टर ऐसे लग गए। लेकिन 12 रजिस्टर जो मेंटेन किया उसमें दोस्तों 10 माह का समय लगा है, और उन रजिस्टर में एक एक जो लाइन लिखी है, जो भी बच्चे प्रेजेंट रहे हैं, छाया प्रतिलिपि कराने में, मेरा ये मानना है कि जब भी जिस लड़के ने ऑफलाइन पढ़े चाहिए ऑनलाइन पढ़े, जो भी बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो और हमारे से पूर्व पढ़े हुए, हर चैप्टर में हमारी तस्वीर नजर आती है। जैसे अभी बेराराम ने कहा कि कौशलेंद्र सर ने मैपिंग इतनी शानदार करवाई कि यही नजर आते हैं रजिस्टर निकालते ही, बोले कार्टोग्राफी में क्या गजब मैप बनाए हैं, प्रोजेक्शन कितने सुंदर बनाए हैं, कोई नहीं बना सकता, मुझे मालूम है। नॉर्थ इंडिया में हमारे हम दोनों साथी दोनों एक ही क्लास में पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि आप इतना रेस्पेक्ट करते हो, हद से ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। हम साथी हैं, हम डीएवी कॉलेज अजमेर के प्रोडक्ट है, जो मैं बता दूं, जो दोस्तों अजमेर की बहुत खतरनाक कॉलेज है, अभी भी पहले भी, ब्यावर रोड पर है, डीबीएन हॉस्टल के भी स्टूडेंट रहे हैं, तो हॉस्टल के भी हम प्रोडक्ट रहे हैं। लेकिन उस समय काश इतना ज्ञान कोई हमें देता तो शायद हम भी आईएएस होते, सच्चाई है, इतना ज्ञान हमें भी अगर उस समय कोई देता तो हम भी कहीं ना कहीं आईएएस होते। लेकिन ठीक है, कुछ परिस्थितियां थी, उस वजह से जहां रहे वहां रह गए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब हमारे से जो बच्चे जुड़े उनको तो कम से कम हम मोटिवेट करें, एक अच्छा हम कंटेंट उनको उपलब्ध करवाएं। तो ये जो मैं अभी बात कर रहा था, अपन जो नोट्स की बात कर रहे थे, उसमें क्या, जैसे अब शुक्राम कह रहे हैं कि सर मैंने 24 रजिस्टर मेंटेन कर लिया, उस रजिस्टर को इसको तैयार करने में 10 महीने का समय लग गया। लेकिन आज मैं ये कहूं कि शुक्राम मुझे ज्योग्राफी कंप्लीट करके देनी है विद इन 24 आवर्स में, ये 12 घंटे में दे देगा मेरे को, केवल पन्ने पलटने हैं। इतनी पावर आ चुकी है आप में, केवल पन्ने पलटने हैं, फटाफट पन्ने पलटने हैं। लेकिन नोट स्वयं के हो, संरचित होने चाहिए। अब इस केस में यदि आज अचानक कोई किताब के लिए कहें तो दोस्तों सविंदर सिंह को नहीं पढ़ सकते आप और अपन, क्लाइमेटोलॉजी इतनी डीएस लाल की अपन कम समय में तैयार नहीं कर सकते, लेकिन नोट्स को आप 1 घंटे में तैयार कर लेंगे। और जिस दिन आपकी एग्जाम होगी उस दिन देखना, वो जो 24 रजिस्टर मेंटेन किए हैं वो 2 घंटे में आप चुटकियों में तैयार करके लेके जाएंगे और बड़े विश्वास के साथ जाएंगे। जिसके पास संरचित नोट्स होते हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, उसको पता है कि मैंने क्रमबद्धता के साथ ये काम किया है और मुझे भरोसा है कि मेरे इस कंटेंट में सभी प्रश्न आने वाले हैं, तो वैसे वो हाई हो जाता है, हड़बड़ाहट नहीं होती है। दिन प्रतिदिन दोस्तों एवरी संडे लगभग हम एग्जाम कंडक्ट राजस्थान में करवाते हैं या जयपुर करवाते हैं, मैं देखता हूँ कई बच्चे परीक्षा कक्ष में घबरा जाते हैं, पेपर देख के घबरा जाते हैं, ओमार शीट में आंसर 10 को करना था आंसर 20 को कर रहे हैं। हमने आंखों देखे अभी लेटेस्ट इसमें जो एग्जाम चल रही 3 में जाते रहते हैं फ्लाइंग में, तब मैं करीबी से देखता हूँ,
जब भी मैं फ्लाइंग में जाता हूं तो दोस्तों मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स का क्या व्यवहार आ रहा है और उस व्यवहार को मैं इंप्लीमेंट आपके साथ करना चाहता हूं। हमें पता है कि एग्जाम जब जाते हैं तो बच्चे क्या हरकत करते हैं और वो हरकत क्यों हो रही है, वो हमारे बच्चों में नहीं हो उसके हम प्रयास करते हैं कि परीक्षा में हड़बड़ाहट नहीं हो। अभी मैं एक इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा पर जो आपने इतना मुझे और कौशलेंद्र सर को टेक्निकल टीम को जो सम्मान दिया है उस पर एक छोटी सी घोषणा और करना चाहूंगा। सर आपके अटूट स्नेह और प्यार वात्सल्य को देखते हुए कि हम एक गोल्डन मेगा टेस्ट सीरीज ऑफलाइन शुरू करेंगे सभी बच्चों के लिए, ओमार शीट पर करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन यही होगा। ऑनलाइन वाले भी यहां से ही सुन लेंगे, ऑफलाइन वाले तो यही है। यदि ऑनलाइन के कोई भी छात्र हमारे से जुड़े हुए हैं और यहां जयपुर रहते हैं तो उन सबका स्वागत है। ऑफलाइन में आप आकर के आपका टेस्ट दे सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, चाहे कितना ही पैसा लग जाए हमारा प्रश्न पत्र निर्माण करने में से लेके उसकी छाया प्रतिलिपि करने से लेकर के, दोस्तों आप जानते हो काफी खर्चे होते हैं, उस सब संस्था वहन करेगी क्योंकि हमें इस खर्चे से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है हमारे छोटे भाइयों का बहनों का सरकारी सेवाओं में पदस्थापन। मैं प्लानिंग दे देता हूं आपको 31 जुलाई 31 31 जुलाई से हम शुरू कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, जिसमें 100 क्वेश्चन तो होंगे सब्जेक्ट के और 20 क्वेश्चन होंगे साइकोलॉजी के, 120 क्वेश्चन 9 यूनिट के साथ। आपके क्या कि 8 बड़ी यूनिट है और पीजी लेवल की 4-5 छोटी छोटी यूनिट है, 9 यूनिट वाइज प्लस साइकोलॉजी ऐड कर देंगे। तत्पश्चात 3 या 4 टेस्ट एग्रीगेट लेंगे 150 क्वेश्चन पर जो आरपीएससी पैटर्न फॉलो करता है, 150 क्वेश्चन जिसमें 120 क्वेश्चन तो होंगे आपके सब्जेक्ट के और 30 क्वेश्चन होंगे साइको के, 150 का एग्रीगेट। आपके साथ ऑफलाइन में कोई बच्चा यहां ज्वाइन करेगा तो उसका अतिरिक्त चार्ज होगा, लेकिन मेरे स्टूडेंट चाहे वो वर्तमान के हो चाहे वो पूर्व के हो उनसे कोई चार्जेज वसूला नहीं जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बच्चा आकर के टेस्ट देना चाहे वो यहाँ दे सकता है। बाकी ऑनलाइन वाले बच्चों को डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, वो घर बैठे वहां से भी इसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन यह है मेरा मानना है कि जब हम ऑफलाइन में बैठते हैं तो दोस्तों फीलिंग अलग ही फीलिंग आती है ऑफलाइन, क्योंकि आप ओमार शीट पर करेंगे, निर्धारित हमें निर्धारित समय देंगे आप, जो आरपीएससी टाइम देता वो आरपीएससी के अकॉर्डिंग 3 घंटे देंगे आपको, ओमार शीट देंगे, फिर उस ओमार शीट को अपन कंप्यूटर से चेक करवा के जिसे विगत बार अपन कर रहे थे उस तरह से आपका रिजल्ट आपके मोबाइल पर लघु संदेश के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। दिन ये जो कार्यक्रम चलेगा हर 3 दिन के इंटरवल पर चलेगा, हर 3 दिन के इंटरवल पर, क्योंकि मुझे 12 टेस्ट लेने हैं और मुझे आपको 16 सितंबर तक फ्री करना है। मैं चाहता हूं कि आपको करीबन 20 या 25 दिन पहले या महीना भर पहले फ्री करूं, लास्ट मोमेंट में हम कम से कम 20 या 25 दिन पहले हम आपको फ्री करना चाहते हैं ताकि बच्चे सेल्फ स्टडी बाद में कर ले। तो कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट को लेकर के कोई भी छात्र ऑनलाइन ऑफलाइन किसी प्रकार की चिंता नहीं करें, और इस मंच से बार बार मैं कह रहा हूं यदि हमारे क्लास नोट से टेस्ट सीरीज कोई क्वेश्चन बाहर चले जावे तो तुमने जो जयपुर खर्चा किया है वो मेरे से कौशलेंद्र जी से ले जाना, ये चैलेंज की बात कर रहे हैं। आप कौशलेंद्र सर को फोन कर देना कि सर आपके पढ़ाई कुछ नहीं है पूरे सर, प्रॉमिस कर दो, प्रॉमिस है ना। दोस्तों आपने कौशलेंद्र सर की और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ा दी,
हालांकि इस बार थोड़ा सा अक्सर व्यस्त रहे, लेकिन मैं विगत बार बता दूं, मुझे पता ही नहीं था कि पेपर कब जीरोक्स होकर कब क्लास में पूछ गया। नहीं, वो गई बार पूरा वर्क ये कर रहे थे, अब की बार उल्टा हो गया। फिर मैंने कहा कि क्या कौशलेंद्र यार इतनी तकलीफ मेरे को देगा क्या? बोले भाई साहब दो चार दिन और देख लो आप, फिर मैं ले लूंगा। अब शायद ये जो 12 टेस्ट होंगे उसमें आप तकलीफ करेंगे। ये जो 12 टेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बेटा ऐसा है, हम बड़े सोच विचार के जो क्वेश्चन जो सिलेक्ट करते हैं ना, 10 बार सोचते हैं कि ये क्वेश्चन बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगी, क्या इस क्वेश्चन के देने से उसके लेफ्ट राइट चैप्टर क्लियर होगा, उस चीज को हम देखते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि क्वेश्चन बच्चे को वो दिया जावे, या तो एज इट आ जावे, नहीं आवे तो उसके लेफ्ट राइट बात निकल करके आ जावे। और जैसे अभी करीबन हमारे 35 टेस्ट हो गए हैं दोस्तों, आप ही बता दीजिए कि लेवल कैसा है और क्या बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही, क्लियर हो रही है। ये टॉपिक वाइज चल रहा है, जबकि पिछले बार तो यूनिट वाइज डायरेक्ट था। इस बार जो हमारा टेस्ट का इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम चल रहा है टॉपिक वाइज, का मतलब यह है कि इसके अलावा कंटेंट है ही नहीं है, और राजस्थान में कोई भी कोचिंग सेंटर कंटेंट पर इस तरह से टॉपिक वाइज कोई करा भी नहीं रहा है। दूसरी बात है टॉपिक वाइज जिसने सिलेबस पूरा नहीं करवाया वो कहां से करवा देगा भाई? अरे हमारे अभी जैसे कुछ छात्र जैसे अर्जुन वगैरह ये अभी लेट आए थे, पूनम, जैसे पूनम अभी आए हैं, पूनम से मैंने बात की, भाई पूनम आप लेट आए हो, इस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल देखो। तो सर क्या हो गया, आपने मुझे ऑनलाइन ऐड कर दिया ना, अगर मेरे में इफिशियंसी है तो मैं 10 घंटे पढ़ूंगी ना आपको, 10 बार पढ़ूंगी मैं एक चैप्टर को। अभी इस बच्चे ने, अर्जुन के बाद में ज्वाइन किया आपने, तो ये पूनम ये बच्ची बैठी, लेकिन इस बच्चे ने आरएस की तैयारी कर रखी है इसलिए ये अपन को पकड़ लेगी। इस बच्ची ने आरएस मेंस भी दिया है और इसलिए ये बच्ची अपन को पकड़ लेगी, इतना इसमें कॉन्फिडेंस लेवल है। मैंने इसको कहा बेटा आपका सिलेबस तो ऑफलाइन तो नहीं हुआ? अरे बोले सर आपने ऐसी कोई बात ही नहीं छोड़ी ऑनलाइन, जरूरत ही क्या, मैं सब कुछ कर लूंगी, बताओ क्या करना है। ये डेली 8 से 10 घंटे मेरे वीडियो दे रही है, मैं प्रत्येक लड़के का वॉचिंग टाइम देखता हूँ। मैं हमारे पास कंप्यूटर में डायरेक्ट टेक्निकल टीम रिपोर्ट दे देती है 2-4 दिन में कि कौन सा बच्चा कितना वॉचिंग टाइम चल रहा है, किस बच्चे ने टेस्ट दिया नहीं दिया है, ये सब बातों का लेखा जोखा हमारे पास आ जाता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है, अभी आपके पास फिर मैं कह रहा हूं पर्याप्त समय है, घबराने की किसी बच्चे को कोई जरूरत नहीं है, केवल जरूरत है मूल्यांकन करने की। सफलता का एक ही राज्य है इस ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिन प्रतिदिन हल करते रहे, एक ही राज है, दिन प्रतिदिन आपको हल करना है और उसको यह देखना है कि मेरी स्थिति क्या चल रही है। यदि टॉपिक हम मोर देन 80% कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका टॉपिक क्लियर है, और यदि 80% से कम आ रहे हैं तो तुरंत उस टॉपिक को आप पढ़ना शुरू कर दें। मान लो आपने आईसोस्टेसी का मेरा टेस्ट दिया, 80% नहीं आ रहे, पढ़िए। अभी सर का टेस्ट था प्लेन टेबल सर्वे का, सर सब बच्चे फेल हो गए। फेल का मतलब 50% नंबर, मतलब प्लेन टेबल सर्वे में क्या हुआ कि 50% से, ये ऑनलाइन वाले ऑफलाइन सभी की बात कर रहा हूं मैं, हाँ लकी टेंशन मत कर बेटा, चोमू नरेश ये लकी की तो चिंता और होगी, हाँ चोमू से है बच्चा, हाँ। देखिए मेरी बात सुनिए, प्लेन टेबल सर्वे जैसे इन्होंने लिया और लंबी क्लास आपके साथ 5-6 वीडियो थे, 5-6 वीडियो सर के थे, हर चीज इन्होंने क्लियर कर दी, लेकिन हो सकता है कि आपने ढंग से नहीं पढ़ा हो सकता है कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहली बार देखा हो, भाई क्वेश्चन की नेचर पहली बार देखी हो, इसलिए भी गलत हो जावे हैं, और लैंग्वेज तो आती ही ऐसी है। लेकिन इन्होंने 20 क्वेश्चन जो बनाए थे, मैं देख के मैंने कहा प्रोफेसर पेपर तो इसी में से आएगा अगर अपने बच्चों ने पूरा कर लिया, लेकिन जब आपका रिजल्ट देखा तो वही बच्चों के 50% नंबर आ रहे, तो इसको इंक्रीज कीजिए, जहां आपके 50% आ जावे तुरंत सर के 5-6 वीडियो हैं प्लेन टेबल सर्वे के पढ़ना शुरू कर दो ना, और फिर दोबारा टेस्ट दे दे के कैसे नहीं आवे। अब फिर
जो बोलते हैं उनको बिल्कुल लिख लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लिखाते ही नहीं, केवल बोल के छोड़ देते हैं। और बोलते हैं प्रैक्टिकली किया है हम लोगों ने, इसलिए बोली लैंग्वेज बोलते हैं। जिसने लैंग्वेज लिख ली हमारी तो समझ लो उसको कोई जरूरत नहीं दोबारा वीडियो देखने की। अरे आपके तो केवल प्लेन टेबल सर्वे है, हमारे पीजी लेवल जब एमएससी कर रहे थे, थियोडोलाइट एबनी लेवल है, डंपी लेवल, क्या बात कर, तुम 12 घंटे लैब में गुजारते थे, मस्ती पूरी करते थे पैराग्राम जैसे। कभी अगर किसी ने डीएवी कॉलेज देखी हो तो सबसे बड़ा ग्राउंड उसी का अजमेर में, उस ग्राउंड में खूब प्रैक्टिकल किए, जज के प्रैक्टिकल किए। तो कहने का मतलब आपके तो एक छोटा सा प्लेन टेबल सर्वे है, 5-6 घंटे की बात है, उसका एक ही है। मान लो किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा, एक काम करें आप, मान लो कोई चैप्टर समझ में नहीं आवे तो आप ये करो कि पहले हमारा वीडियो मत देखो, आप सीधे टेक्स्ट बुक उठाओ, टेक्स्ट बुक को एक बार रीड आउट कर लो, क्यों पढ़ना है। जैसे प्लेन टेबल सर्वे पहले किताब से पढ़ लो, आप 11th क्लास की जो किताब है 11th 12th वाली उससे पढ़ लो, पढ़ के फिर वीडियो पढ़ो और फिर क्वेश्चन दो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन लो साहब, फिर लैंग्वेज पकड़ लेंगे आप। हम जो आपको लैंग्वेज दे रहे हैं, हम जो शब्दकोश दे रहे हैं, वो दोस्तों सामान्यकरण करके दे रहे हैं। यदि हम किताब की लैंग्वेज में हम आपको पढ़ावें तो आपके समझ में नहीं आएगा, किताब की लैंग्वेज कभी समझ में नहीं आएगी जब तक उसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। हमारा कोशिश ये है कि सब्जेक्ट को जितना सिंप्लीफाई करें उतना करने की कोशिश कर रहे हैं, और शब्दकोश बार बार हम जब भी उद्बोधन करते हैं या जब भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो वही शब्दकोश यूज करते हैं जो परीक्षा पैटर्न पर, हम शब्द भी अच्छा वो स्वतः ही आते हैं, स्वतः ही जनित होते हैं वो कि यस ये शब्द। तो दोस्तों समय काफी लंबा हो गया है, मैं आपका पुनः इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपने और मेरा कौशलेंद्र सर का जो आपने हमें सम्मान दिया है इसके लिए सदैव आपका आभारी रहेंगे, आपका धन्यवाद देंगे। और आपने इस सम्मान से एक तरह से हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो और बढ़ाई है, और निश्चिंत रहें कि हम आपके कैरियर के लिए प्रतिबद्ध हैं और आप अपना जितना टाइम दे सकें सेल्फ स्टडी, अपने नोट्स और टेस्ट सीरीज पर दे दें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी छात्रों का धन्यवाद। पुनः ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन में जुड़े हुए सभी छात्रों का आभार, धन्यवाद। हाँ किसका, अच्छा एक बार अनुराग खुद ही देगा, नहीं आ जा, केवल तेरा नाम, तेरी स्कूल का नाम, आ जा बेटा, है ना, इधर वो ऑनलाइन वाले बच्चे भी दे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज अनुराग गोस्वामी फ्रॉम क्लास 8th, आई एम फ्रॉम बेनियन ट्री स्कूल, बेनियन ट्री स्कूल लोगेरे मानसरोवर जयपुर। ये बोलना चाहूँगा कि आप अच्छे से पढ़ो और पापा को भी, पापा और कौशल अंकल को भी इतने अच्छे से खुश कर दो कि आप कैसे भी करके फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर ज्योग्राफी में जाएं और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर आप भी एक शिक्षक की तरह पढ़ाएं पापा और कौशल अंकल की तरह। थैंक यू। ये एंड ऑफ द सेशन में बस दो लाइन कहने आऊंगा कि जिस दिन एग्जाम हो, जिस दिन भी एग्जाम हो, सर का अभी दोनों का लेक्चर सुनने के बाद जो मोटिवेशन मिला है हम लोगों को कि पेपर को स्टार्ट करने से पहले, उसको ओपन करने से पहले, उसकी सील को ब्रेक करने से पहले हमको पेपर को देख के एक ही चीज गुनगुनानी चाहिए कि चलो आज हम अपना हुनर आजमाते हैं, तुम तीर आजमाओ, हम अपने जिगर आजमाते हैं। धन्यवाद।
ऑनलाइन के सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर आशीर्वाद, और आप लोग तैयारी जबरदस्त वाली रखें, फर्स्ट पेपर को भी जोरदार तरीके से तैयार करें, और आगे जो जो कंटेंट में और भी जरूरत पड़ेगी हम लोग देते चलेंगे। आप में से कोई बच्चा अगर ऑफलाइन आके टेस्ट देना चाहे और क्लास लेना चाहे तो उसका वेलकम है, और भी जयपुर आकर मिलना चाहे तो उसका वेलकम है। बस रिक्वेस्ट ये है कि अब त्योहारों का सीजन चलेगा तो उनको इग्नोर करना आप लोगों को, ठीक है, और जबरदस्त तरीके से आप लोगों को अंडरग्राउंड होके तैयारी करनी है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।